तो ऑलरेडी इज वेलकम बैक एवरी वन टूडे वी आर बिगनिंग विद एनशंट हिस्ट्री एंड एनशेंट हिस्ट्री का जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंस है ये आपको सबसे पहले समझना ज़रूरी है वन थिंग शुड बी नोटेड हेयर इज दैट कि जो जनरली आपको क्वेश्चन हैं वो एंशंट हिस्ट्री से आपको अग, जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं इसलिए आई वुड रिकमेंड के एंशंट हिस्ट्री को आप जो है जनरली उतना ही टाइम दें जितने इसमें से क्वेश्चन आते हैं जनरली आपको एंशंट हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते जो मेजरली क्वेश्चन हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं आपको वो मॉडर्न हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर से आपको देख मिलेंगे ठीक एंशंट हिस्ट्री की जनरली वेटेज कम रहती है इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं जो जनरली एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं दे अंडरस्टैंड कि उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना आ, एक ऐसी पोजिशन आती है एक स्टूडेंट के लाइफ में जिसमें वो डिसाइड करता है कि उसको क्या नहीं पढ़ना जब उसको ये चीज़ें पता चल जाती है कि क्या नहीं पढ़ना आनली दिन उसका जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई कर पाता है एंशंट हिस्ट्री की अगर बात कर करें हम तो अगर आपको इसके लिए बुक रेफर करनी है तो आ, जनरली आप मोस्टली जो है जिस तरह से आप इकोनॉमी एनवायरनमेंट के अंदर बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं इसके अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इसकी कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स के अंदर इसकी जो है वेटीज कम रहती है तो अगर आपको बुक्स पढ़नी भी हो तो हेयर आई वुड रिकमेंड यू कि आप इनमें से कोई एक सोर्स आप पढ़ लें जब आप आर एस शर्मा की बुक आती है वो पढ़ लें आर एस शर्मा हाँ इनदर जो है इसका अल्टरनेट अगर आपको देखना है वो है एन सी आर टी या थर्ड अल्टरनेट आप देखेंगे तो इसका है तमिलनाडु बुक तमिलनाडु की एलेवेंथ क्लास की बुक है एलेवेंथ या आप देखें कोई नोट्स किसी भी कोचिंग के जो आपको इजीली समझ आए या जा जिसमें इंटरेस्ट हो पढ़ने का ठीक या जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक ये वाले जो नोट्स हमने इस स्लाइड्स में बनाए हैं इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो आई थिंक दिस इज सफिशेंट एंड नथिंग बियॉन्ड दिस आपको एग्जाम के अंदर आने वाला है जनरली uh, आप देखेंगे आप एंशंट हिस्ट्री के अंदर जितने सोर्सेज भी स्टडी करें एट द एंड ऑफ द डे आपको जो है जनरली आप फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं अगर एंशंट हिस्ट्री से चार क्वेश्चन पूछता है तो ऐट uh, मैक्स आप थ्री क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे ठीक है ना जनरली ऐसा होता है एंशंट हिस्ट्री के अंदर और कभी कभी तो ऐसा बाउंसर आता है कि आपको पता भी नहीं होता कि इसका क्या है जिस तरह एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया राइनो आ दिन पैरामेतास पैरामेता ऐसी ऐसी चीजें कभी कभी पूछना शुरू कर जाता है जिस जिसको जनरली जो है जिस, जिन चीज़ों पे फोकस नहीं किया होता है हाँ। तो एग्जाम को पास करने के लिए जो की होती है वो की होती है प्रैक्टिस एंड रिवीजन तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस देर इज नो अल्टरनेटिव फॉर ठीक है तो दिस इज ट जब आप इंशेंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जरूरी होता है कि आपको क्रोनोलॉजी पता हो कि हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई। देखिए यहाँ पे जो है हमने पीछे जो एक्सप्लोर किया है लगभग हम चार लाख बी तक हम पीछे गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी एंशंट हिस्ट्री शुरू है वो होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट अस बिकॉज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है एंड इसका जो रीजन था ये वाला रीजन था आईवीसी का बहुत सी साइड्स आपको देखने को मिलेंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की इधर जिस तरह हरप्पा है मोहनजोदारो है लोथल है कालीबंगन है राखी गढ़ी है ये वाली साइड आपको है इम्पार्टन जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी ये वाली जो सिविलाइजेशन थी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है इंडिया के अंदर थी तो इसलिए ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है यही टॉपिक इस सिविलाइजेशन इसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स थे लोगों की रिलीजन कैसा था उनकी सोशल कैसी थी आ, सोशल सिस्टम कैसे थे कल्चरल कल्चरल सिस्टम उस वक्त का कैसा था स्ट्रक्चर कैसा था ना बाकी इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक हैं और इम्पॉर्टेंट साइट्स कौन सी एग्जामिनर्स अक्सर पूछते थीक? काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमारी हिस्ट्री के लिए आई बी से अक्सर आपको क्वेश्चन मिलते हैं। बट वट बिफोर इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो पहले का एरा है ठीक है ना लगभग चार लाख बीसी तक हमने जो है आ, कुछ एविडेंसेस की बिना पर जो है एक्सप्लोर कर पाए कवर कर पाए हैं कि क्या था तो पहले की जो एज थी इस एज को हम स्टोन एज कंसीडर एट स्टोन तो एज एंड फर्दर ये जो हमारी स्टोन एज है इसको भी हम तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड करके स्टडी वन इज एज एंड अदर इज मिजोलिथिक न्यूलिथिक एज इसको हम थोड़ा आगे देखेंगे इन डिटेल बट दिस इज इट अबाउट दैट ठीक है स्टोन एज को हम तीन हिस्सों में हमने डिवाइड करके रखा हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो है हमारा वैदिक एज शुरू होती है एज के बाद हमारा मौरियन एरा शुरू होता है मौरियंस के बाद जो है इंडिया पे जो है कुछ ग्रीक्स ने इन्वेजन्स किए ठीक है, है ना देन यहाँ पे जो है इंडिया की अंदर बहुत सी जो है डिफरेंट डिफरेंट आपको जो है इस एरा के अंदर आपको देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो है कुछ किंगडम्स जो है स्टेब्लिश हुई है उसके बाद फिर से गुप्ता आया एंड गुप्ता एरा ने फिर से जो है पूरी कंट्री को यूनाइट कर लिया एंड आफ्टर दैट हर्षवर्धन हर्षवर्धन के बाद जो है चोला एम्पायर जो साउथ के अंदर जो है हम इसको हम स्टडी करेंगे दिन जो है राष्ट्रकूटा पाला प्रतिहारास के बाद जो है इनका दौर शुरू हो तो यह है हमारी ब्रीफ टाइमलाइन लाइन हिस्ट्री की जो है स्टडी करने वाले हैं बट बिफोर वी बिगन हम एक ब्रीफ आवर व्यू इसका डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है एक आइडिया हो पाए इस तरह से एंशंट हिस्ट्री को स्टडी फर्स्ट थिंग दैट वी आर स्टडिंग इज सटून स्टोई एज मैंने कहा कि चार लाख बी से जो तो है आपको देखने को मिलेगी 2500 सौ टू पॉइंट के वी पच्चीस तक की आ, जो टाइम पीरियड है इसको हम स्टोन के नाम से जानते हैं भाई बिकॉज जनरली जो डिपेंडेंस थी लोगों की वो स्टोन्स पे ही थी स्टोन्स के टूल्स लोग यूज़ करते थे एट दैट टाइम तो स्टोन ऐज को हम जो है तीन एरा के अंदर तीन बाघों के अंदर बांटते हैं पहला जो है यू you नो know, लिथिक का मतलब होता है स्टून दिन है हमारा मिजोलिथिक लिथिक एज तो एंड दिन है हमारा न्यूलिथिक एजिथिक एज अब जो पेल्यूलिथिक एज है ना पेल्यूलिथिक एज हम मानते हैं जो पेल्यूलिथिक हमारी एज थी वो थी लगभग डाई लाख से डाई लाख बीसी से लेकर जो है दस हजार बीसी तक दस हजार बीसी तक की जो एज है उसको महाना जाता था पेल्योलीथिक एज इसके अंदर जो हम स्टोन्स के टूल यूज़ करते थे वो बिग इन साइज होते थे बिग इन साइज बिग इन साइज बिग इन साइज होते थे इसको भी हम जो है तीन बागों में फर्दर डिवाइड करते हैं दैट इज लोअर पेलोलीथिक मिडल पेलोलिथिक एंड अपर पेलोलीथिक ठीक है लोअर जो पेलोलिथिक है इसके अंदर हम जो है लेवर एंड चॉपर्स का यूज करते थे जो हमारा मेडल है इसके अंदर हम आ, बोल, आ, ब्लेड एंड बॉरियर्स का यूज करते थे एंड जो हमारा है इसके अंदर हम ब्लेड्स एंड पॉइंट टूल्स का यूज करते थे ठीक हमें इन लेटिकेटीज में जाने की जरूरत नहीं है जस्ट के एज के अंदर जो है बिग बिग साइज जो स्टोन के टूल होते थे उनका यूज किया जाता था विजोलिथिक वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट आप व्यू के हिसाब से तो वी आर फोसिंग ऑन इट विजोलिथिक एरा के अंदर जो है माइक्रोलिथ का यूज किया गया माइक्रोलिथ लिथ का तो मतलब पहले ही मैंने बता दिया कि इसका मतलब होता है स्टोन माइक्रो का मतलब होता है छोटा माइक्रो का मतलब होता है छोटा एंड लिथ का मतलब होता है स्टोन दैट मीन्स जो इस एरिया के अंदर टूल यूज किए जाते थे वो स्मॉल टूल यूज किए जाते थे माइक्रोलिथ आइक्रोलिथ का यूज किया जाता था मिजोलिथिक एरा के अंदर अब अगर छोटे टूल जो छोटे टूल जो हैं स्टोन के यूज़ किए जाते थे इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि इस एरा में स्माल एनिमल्स की हंटिंग हुआ करती थी है ना या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो टूल्स थी उनमें काफ़ी एडवांसमेंट आ चुकी थी पहले जो थे बड़े साइज़ के स्टोन टूल्स यूज़ किए जाते थे अब छोटे हो गए अब ये जो हमारे माइक्रोलिथ्स है ना इन पे हम दीवारों पे तब क्या करते थे कि इस तरह से स्क्रैच करके कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी ड्रा करते थे ठीक है ना तो स्क्रैच किया जाता स्क्रैच स्क्रैच करते थे अब स्क्रैच करके जो अमेज वगैरह बनाते थे माइक्रोलिथ से इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज की जाती है पेट्रोग्लिफ पेट्रोग्लिफ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर पहले भी पूछ चुका है पिटोग्रिफ़ ठीक है एंड इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको देखने को मिली कि डोमेस्टिकेशन 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 ह्यूमन ने एनिमल्स को घर में रखना शुरू कर दिया पालने शुरू कर दिए जानवर ठीक अब साइड्स की अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट साइट्स इसकी है दो जो आपको पता होनी चाहिए एक है आदमगढ़ आदमगढ़ है मध्य प्रदेश के अंदर और दूसरी है बगोहर ये साइट आपको देखेगी राजस्थान के अंदर देन हमारी है न्यूलिथिक एज ठीक है मिजोलिथिक एरा के करेक्टरिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये आपको आएंगे न्यूलिथिक एज जो है हमारी इसके अंदर इमर्ज हुई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस एग्जामिनर अक्सर जब पूछता है ठीक है ना वो इसको पूछता है कि पेलियोलिथिक एरा में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ह्यूमन स्टार्ट की नॉट इट्स इन न्यूलिथिक एरा है ना और जो साइट्स हैं इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक एरा की वो साइट्स सा आपको देखने को मिलेगी राजस्थान के अंदर है अहरगढ़ अहरगढ़ यहाँ पे राजस्थान में राजस्थान के अंदर मेहरगढ़ आपको देखने को मिलेगी इसकी साइट ठीक और बहुत सी साइट्स जो है कुछ आपको पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिलेगी वहीं एक और साइट मुझे याद आ रही है दैट इज बर्जा हामा बर्जा ये कश्मीर के अंदर है ये है कश्मीर के अंदर दैट ये है एरा के इसमें से ऑब्जेक्टिव बनते हैं हैं अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन तो ये लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन तक हम पहुंचे कैसे यू नो दैट न्यूलेथिक एरा के अंदर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ह्यूमन ने शुरू कर दी अब एग्रीकल्चर की वजह से कुछ जो है सरप्लस ह्यूमन uh, ने जो है प्रोड्यूस किया सरप्लास अगर प्रोड्यूस हुआ तो सरप्लास को ट्रेड करना था अब ट्रेड करने के लिए कुछ ग्रुप बन गए जिनको ट्रेडर्स जो थे जिस तरह गिल्ड उनको एक स्पेशल टर्म यूज की जाती है गिल्ड एंड स्ट्रेनिंग है ना स्ट्रेनी जो है ये ट्रेडर्स हमें तब देखने को मिले इंपॉर्टेंट है जे भी जे भी एग्जामिनर पूछ चुका है गिल्ड एंड स्ट्रेनिंग इनका क्या मतलब है तो ये ट्रेडर्स थे ट्रेड शुरू होगी ट्रेड की वजह से जो है टाउन डेवलप हुआ एंड टाउन अल्टीमेटली जो है बना पूरा वेरी बिगर एंड रिजल्ट टू इंडस वैली सिविलाइजेशन ठीक है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम इसको स्लाइड्स में देखेंगे आगे ठीक है ना विल तो सी इन स्लाइड्स मैंने स्लाइड्स में ऑलरेडी नोट करके रखे हैं तो वहां पे देखेंगे बट जस्ट यहाँ पे एक आउटलाइन आप देखिए तो एस वेली सिविलान जो है आपको 25 सो uh, बीसी से शुरू होती है लगभग 1800 सौ बीस तक ये जो है कंप्लीटली खत्म हो जाती है ना होगी इसकी आईवीसी की पहले ये इस तरह से पूरा एरिया था दिन ऐसा माना जाता है कि तीन थेवरीज के पहला आर्यज ने अनवेजन कर दिया या इस एरिया में फ्लड्स आ गया या अर्थक्वेक आ गया इस रीजन में तो ये जो टाउन था ये डिस हो गया लोग इस तरह दूर दूर अब रहने लगे बट इस एरिया के अंदर जो है कापर का लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते थे कापर का कापर का फ्रीक्वेंटली यूज करते थे एंड देन इस एरा को एक अपना नाम दिया गया चालकोलिथिक को लिथिक एरा चालिथिक चाल पीरियड ठीक है ना चालकोलिथिक पीरियड जो है हमारा रहा 1800 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक यू तो गार्ड दैट पंद्रह सो बीसी से हमारा जो है शुरू हुआ वट हमारा शुरू हुआ वैदिक एज वैदिक एज बट वैदिक एज जो है हमारी जो है अर्ली वैदिक एज अर्ली वैदिक केज, हम दो तरह से पढ़ते हैं वैदिक एज ठीक अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक एज अर्ली वैदिक एड कहाँ से कहाँ तक सी पंद्रह सौ से एक हजार बी सी तक की जो हमारी थी, थी अर्ली वैदिक एज इस अर्ली वैदिक एज के जो है हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स अक्सर पूछे जाते हैं जो शायद आगे स्लाइड्स में नहीं लिखे हुए वो तो जे के आर्यस जो थे आर्यन बेसिकली साउदर्न रशिया साउदर्न रशिया सेंट्रल क्या सेंट्रल एशिया में हमारे आते हैं तजकिस्तान उज्बेकिस्तान ठीक है ना ये इनको सेंट्रल एशिया कहा जाता है इसको स्टेपेज रीजन भी कहा जाता है जूनो you know, स्टेपेस रीजन यहाँ के रहने वाले ट्राइब्स थे ट्राइब्स ट्राइब्स और इन ट्राइब्स को जो है आर्यंस कहा जाता है आर्यंस अब आर्यंस वाई हमें पता चला कि आर्यंस तब इंडिया में आए बिकॉज रिग जो है, उल्डेस्ट बुक है जो 1500 सो बीसी के अराउंड जो है लिखी गई है रिग्वेदा रिग्वेदा रिग के अंदर आर्या वो जो है आर्या वर्ड थर्टी सिक्स टाइम्स यूज हुआ है इससे हमें पता चलता है कि आर्यन जो थे वो इंडिया में आए एंड वही बास बने जो हमारी वैली सिविलाइजेशन थी उसकी डिसइंटीग्रेशन के लिए अब हम जो है जहां पे जो आर्यन थे पहले ये पास्टोरल एंड नोमैडिक थे पास्टोरल एंड नोमैडिक ट्राइब्स थे ठीक पास्टोरल एंड नोमैडिक ट्राइब्स थे अब जो है एक और इम्पॉर्टेंट जो मुझे ऑब्जेक्टिव याद आ रहा है कि ऋग्वेदा जो है अर्ली 1500 हंड्रेड में लिखी गई इसकी एक कंटेम्प्रेरी बुक है अवस्था अवस्था ये कहना चाहिए कंटेम्प्रेरी है किसकी कंटेम्प्रेरी है कंटेम ये की ऋग्वेदा की ऋग्वेदा की यू नो ऋग्वेदिक एरा के अंदर जो है हमारे ऋग्वेदा इरा के अंदर जो आप देखेंगे टेन मंडल हैं रिग्वेदा के टेन है? जो सेकंड uh, मंडल से लेकर uh, जो है सेवंथ uh, मंडल तक मंडल तक ये जो है अर्ली अर्ली वैदिक एरा के अंदर लिखा गया है ठीक अर्ली वैदिक एरा के अंदर जो है सेकंड से सेवंथ मंडल जो है लिखे गए थी? ठीक जो आर्यंस थे आर्यंस एंटर हुए थे खाइबर पास से ठीक अफगानिस्तान में जो रीजन पड़ता है वहां से आर्यंस आ, पास हुए थे अब जो ऋग्वेद है ना ऋग्वेद ने एक वर्ड यूज किया है सप्त सिंधु सप्त सिंधु जो वर्ड यूज किया है आर्य ने एंडस आ, इसकी पांच ट्रिब्यूटरीज प्लस कुबा <coughs> <coughs> कुबा रिवर जो है ये है afghan के अंदर प्रेजेंट डे afghan के अंदर है कुबारी इस रीजन को है सप्त सिंधु रीजन रेफर किया है किसने ऋग्वेद ने ठीक अनादर इंपॉर्टेंट थी इजेक्टिव जो इस इसी रीजन में जो है वो है सरस्वती सरस। सरस्वती जो है और यूज किया है ऋग्वेदा ने रिवर के लिए अब जो सरस्वती रिवर है ये रिजल्ट है दो रिवर्स का ठीक है ना एक है हकरा एंड दूसरा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ऐसा माना जाता है कि इन दो रिवर्स के ही किनारे जो है आ, आ, तब एग्जिस्ट करती थी एंड आ, दिन आ, तब जो जे हुआ जो जे, सरस्वती बना एंड सरस्वती जो है सरस्वती अवस्था चूके इसकी जो है कंटेम्परे है एक वेद की तो अवस्था भी जो है सरस्वती को उसने अपनी जो है आ, उसके अंदर भी लिखी हुई है मगर उस वहां पे सरस्वती का नाम है हरकावती ठीक है ना तो चलिए हम जो है अब जो आ, जो हमारा पहला जो है अर्ली वैदिक एज उसके कुछ इकोनॉमी के बारे में देखते हैं इकोनॉमी इसकी अर्ली वैदिक एज अर्ली वैदिक जो एज है इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे जो इसके है पहले जो है कैटल्स के लिए फाइट की जाती थी हमें पता कैसे चलता है क्योंकि गावस्थी गावस्थी वर्ड यूज किया है रिग्वैदा ने तो पहले जो है इकोनॉमी जो होती थी जो है मैक्सिमम जो है केटल्स के लिए जो है जंगें वगैरह लड़ी जाती थी अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें तब पॉलिटिकल सिस्टम तब का कैसा था पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा था कि आर्यनस जो थे आर्यनस ने ऑलरेडी जो है एक कर दी आ, किस पे आ, इस रीजन पे इंडियन आ, सब कॉन्टीनेंट पे एंड देन दे स्टार्टेड फाइटेड फाइटिंग उसी में एक जो है एक इंपॉर्टेंट ट्राइब था जिसका नाम था भरत भर, भर भारत जो था एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्स था जिसने जो है एक मेजर जो है बैटल ऑफ के टेन किंग्स कहा जाता है जो टेन ट्राइब्स जो है वो इकट्ठे हुए और भारत के साथ लड़ना शुरू किया बट इसने दसों को हरा दिया दस के दस हार गए अब इन जो दस हारे हुए थे इनमें से चार जो है इसके साथ जुड़ गए तो दिस प्लस ये भारत खुद प्लस ये चार ये बन गए पांच अब इनका नाम पड़ गया पांच जन पांच जन यह जो, जो पांच जन था ये पांच जन लेटर बना पंजाब ठीक है पंजाब अब इस पांच जान ने प्लस इसने मैट्रिमोनियल रिलेशन रखी किसके साथ एक हमारा दूसरा जो है आ, ट्राइब था तब त्रिस्तु त्रिस्तु, आई एस, त्रिस्तु ट्राइब इसके साथ इसने जो है मैट्रिमोनियल रिलेशन रखी मैट्रिमोनियल रिलेशन की वजह से रिजल्ट हुआ हमारा एक और ट्राइब जिसको कहा जाता है कुरू ट्राइब ठीक देन इसकी हिस्ट्री को हम कुरुश्तर पूरे रीजन को कहा जाता है देन कुरुक्षेत्र तो ये थी जहाँ टेन बैटल्स टेन किंग्स की कहानी अब ये वाला जो रीजन था कुरु ट्राइब्स थे या जो थे ये जो आर्यन आपस में लड़ते रहते थे अब कुरु ट्राइब्स जैसे जो पांच जन थे जो इमर्ज हो गए थे ज्यादा पावरफुल अब जो पांच जन थे इन्होंने हराए जो दस किंग्स इसमें जो थे कुछ आर्यनस भी थे एंड कुछ इंडिया के लोकल्स थे जो आर्यनस हारे हुए थे उनको कहा जाता था दासास एंड जो इंडियंस हारे हुए थे दासा पी ए एस ए दास जो इंडियंस रीजनल हारे हुए थे उनके लिए वर्ड यूज किया जाता था दासूस दासूस अब जो थे इनको अच्छी तरह से इनका फेयर ट्रीटमेंट होता था इनको अच्छी तरह से ट्रीट करते थे क्योंकि ये आर्यंस थे और वो खुद भी आर्यंस थे बट जो जो दासूस थे जहाँ के इंडियन इंडिया के ओरिजिनल ट्राइब थे जो इनको हराया था इनके इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी इनके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था ठीक है लेट्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है अर्ली वेद रहा की हम बात कर रहे थे तो uh, हमने इसमें बात की जो है किसकी बात की हमने यार इज इजनिंग जस्ट हाँ जो है तब हमने बैटल की बात की कि तब किस तरह से जंग हुआ uh, ठीक है ना किस तरह से uh, येब्लिश uh, हुए ठीक है ना उसके बाद हम जो है हाँ की इनके पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देन अर्ली वेद केरा की कैसी चली तो जो पॉलिटिकल पौल्टीक, पॉलिटिकल सिस्टम था पहले तो हमने जंग की बात की कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ दिन हम बात करते हैं कि जनरली जो थी किस तरह पॉलिटी फिर चली फिर जहां पे थी तीन जो है प्राइमरी जो है इंस्टीट्यूशन हमें अली विद्य केरा के अंदर देखने को मिलते हैं सभा सवाथी एंड नंबर थर्ड इज विदी एच ए डी विद्युत जो था ये रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म करने के लिए जो बॉडी है ये असम्बली जो है बनाई जाती थी समिति जो है ओवरऑल जो है ओवरऑल डिसीजंस जो है सोसाइटी के अंदर जो है लेते थे थी। ठीक है ना एंड सभा जो है इसके अंदर सभी लोग वोट करते थे मतलब सभी लोग जो है सेलेक्ट uh, करते थे किसके लिए मेंबर्स समिति के लिए सभा के, के अंदर एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट के सभा एंड जो वेद थी इसके अंदर वेमेंस को जो है विमेंस इस इसको ज्वाइन कर सकती थी बट विमेंस जो है वो समिति के अंदर जो विमेंस हैं women, पे नहीं अलाउड थी okay. तो जो सोसाइटी थी जो सोसाइटी की अगर बात करें पहली तो आपको ये याद रखना है कि सोसाइटी के अंदर वेमेन जो है वेमेन को रिस्पेक्टेड पोजिशन थी था पोजिशन नो चाइल्ड मैरिज का कोई भी हमें चाइल्ड मैरिज जो है देखने को मिलती नहीं ठीक है ना इस इरा के अंदर कोई हमें चाइल्ड मैरिज हमें इस इरा के अंदर नहीं देखने को मिली विमेन को रिस्पेक्टेड पोजिशन हासिल थी ठीक बट वेमेन जो है समिति में तब पार्टिसिपेट नहीं कर अब जो है रिलीजन की अगर बात की जाए तो जो अर्ली जो आ, अर्ली वैदिक इरा के जो लोग थे ठीक है ना आ, वो क्या करते थे जनरली नेचुरल फोर्सेस में जो है मानते थे एंड नेचुरल फोर्सेस को ही उन्होंने परसोनीफाई किया था ठीक है ना तो उस वक्त का जो गार्ड था एक था इंदिरा इंदिरा गार्ड था ठीक है ना जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट गार्ड जो है आ, कहा जाता था और इसको जो है इसको आल्सो नोन एज इसको पुरंदर जो इंदिरा गार्ड है Uh, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट गार्ड तब का कहा जाता है पुरंदर आ, पुरंदर पुरंदर का मतलब होता है ब्रेकर ऑफ फॉट ब्रेकर ब्रेकर ऑफ्स ठीक है ना उस वक्त का जो है इंदिरा को इंपॉर्टेंट जो है गार्ड चार गार्ड थे तो उसमें से इंदिरा एक था ठीक है ना जो फोर्स जो थे इसका फोर्स जो उस वक्त में थे फोर्स पता है आपको कहां थे फोर्स थे ठीक है दूसरा इंपॉर्टेंट गार्ड था उस वक्त का वो था अग्नि अग्नि जो गार्ड था इसको इंटरमीडायरी गार्ड कहा गार्ड एंड जो थर्ड गार्ड था ना दैट वाज थर्ड ऑके थर्ड गार्ड जो था ये था वरुण वरुण गार्ड एंड जो ड था ये गॉड ऑफ वाटर था गार्ड ऑफ वाटर गॉड ऑफ वाटर लिखूंगा ठीक है एंड फोर्थ गार्ड जो था आ, वो था मरुत ए आर यू टी मरुत एंड ये था गार्ड ऑफ विंड ओके जो चार थे इंपॉर्टेंट गार्ड थे अब देखो जो चारों गार्ड थे ना जो मेल डेइटीज आपको लगते हैं चारों तो इसका मतलब है जो सोसाइटी थी पेट्रिकल थी पेट्रोरिकल विमेन गार्ड नहीं था तो इसका मतलब है सोसाइटी पेट्रोरकल थी पेट्रॉरकल ओके okay. ठीक है ना जो उस वक्त वॉरशिप की जाती थी ना वॉरशिप वॉरशिप जो तब की जाती थी तब की जाती थी मेटीरियल मेटीरियल गें के लिए तब जो है आ, को पूजा जाता था ना के स्पिरिचुअल ना के स्पिरिचुअल पर्पस के लिए ठीक है नाउ लेटर वेदिक एरा की हम बात करेंगे लेटर वेदिक रहा, लेटर वेदिक एरा जो है हमारा स्टार्ट होता है 1000 थाउजेंड बीसी से लेकर 600 सो बीसी तक ठीक इसके जो है इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कुछ आ, जो है जब ये वाला एरा शुरू होता है तो तब जो थे आर्यन ने जो है आयरन uh, को डिस्कवर कर लिया वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ह्यूमन तब ह्यूमन की हुई आयरन की आयरन की वजह से जो है फॉरेस्ट की क्लियरेंस स्टार्ट होगी फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड जो uh, ये जो लोग थे वो मुंह करने लगे किसके प्लेन्स की तरफ मुंह करने लगे इंजैटिक प्लेन्स की तरफ जो है आ, लोग मूव करने लगे एंड जो एग्रीकल्चर थी उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली क्योंकि अब जमीन को प्लो करना तो ईजी हो चुका ना आयरन्स की वजह से ठीक है तो इकोनॉमी फिर कैसे चलती थी आई एम रेडिंग फास्ट बिकॉज आई एम थिंकिंग आपके पास टाइम नहीं है मेरे पास भी टाइम नहीं है एंड आप इस वक्त टाइम वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज आप इस वक्त यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं मतलब आपने पढ़ा नहीं है अब आप आए हैं पढ़ने ओके सो इकोनॉमी जो है इकोनॉमी अब जो लेटर विदिक की थी पहले तो अर्ली वेदिक एरिया के अंदर आप इकोनॉमी देखेंगे तब तो मैक्सिमम कैटल स्कोर करना उनका जो पर्पस था बट लेटर जो है आ, लेटर जो था लैंड मेन पर्पस बन गया था एंड हमें पता चलता है क्योंकि ठीक है, है ना आ, तो जो हमारी तब की पोलिटिकल सिस्टम था पोलिटिकल सिस्टम जो था तब का आ, जो वैदिक एरा के अंदर जो किंग था या राजन था आ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था आ, ठीक है ना आ, एंड उसका जो प्राइमरी पर्पस था वो पर्पस था मोर एंड मोर लेड एक्वायर करना एंड फॉर दैट रीजन जो था तब जो है कुछ पॉपुलर्स जो रिचुअल्स थी रिचुअल्स जो है इसके लिए भी परफॉर्म की जाती थी एंड वेरी स्पेसिफिक वर्देवेर उसमें से थी असवा मेदा असवा मेदा ओके एंड सेकेंड वन वॉज राजहा आज सुहा एंड थर्ड रिचुअल प्रैक्टिस वाज ऑफ वाजपिया विल डिस्कस देम इन स्लाइड्स ऑलरेडी हमने आगे लिखी हुई है तो वी विल बी मूविंग फ्रॉम हेयर एंड सोसाइटी की अगर हम बात करें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जामिनर अक्सर जहाँ पे तो क्वेश्चन बनाता ही बनाता है आई डोंट नो वाई लेडर वेदिक एरा की जो सोसाइटी है इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं सो यू नो व्हाट इस एरा के अंदर क्या हुआ इस एरा के अंदर जो है जो टेंथ मंडल था ना रिग्वेदा का टेंथ मंडल टेंथ मंडल जो है इस एरा के अंदर लिखा गया ठीक है ना और इसने जो है इसके अंदर सोसाइटी के अंदर जो है सिस्टम का दिया वर्ना सिस्टम 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 के अंदर जो सोसाइटी है ना इसको डिवाइड किया गया चार आ, चार सोसाइटी को जो है चार लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया पहले थे ब्राह्मण ब्राह्मण दूसरे क्षत्रिय 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 एंड देन वेशा 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 एंड फोर्थ वन शूद्रास शूद्रास तो इस तरह से जो है सोसाइटी के जो है चार ग्रुपिंग्स होगी सबसे हायर जो थे आ, सबसे जो तो, हायर ब्राह्मण्स देन क्षत्रिय देन वेशाज देन शूद्रास एंड प्रेजेंटली ये जो है इसी की वजह से जो है ग्लेयरिंग तब स्टार्ट हुई बट लेटर एरा के अंदर ओके और तो इस तरह से सोसाइटी जो है वरना सिस्टम जो है वरना सिस्टम की जो है इमरजेंस हो गई ठीक है ना अगर आप देखें जहां पे जो है रिलीजियस प्रैक्टिस अगर आप देखें रिलीजियस प्रैक्टिस रिलीजियस प्रैक्टिस प्रैक्टिस तब यहां पे कैसी आपको देखने ली रिलीजियस प्रैक्टिस जो थी जहां पे जो पहले जो अर्ली वे केर के रहा कि जितने भी गार्ड थे ना वो सब सारे जो थे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहे लोगों के लिए यहाँ पे एक अनदर गार्ड जो है प्राजपति प्राजपति जो गार्ड है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया लोगों के लिए ठीक है ना एंड इसको माना जाने लगा क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स के यूनिवर्स का क्रिएटर है ये प्राजपति गार्ड जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा लोगों के लिए ठीक है ना तो जहाँ पे जो कॉमन मूड था वार्शिप का लोगों के लिए वो था सेक्रीफाइस ठीक है ना सेक्रीफाइस prayers एंड worship वगैरह जो है थे सेक्रीफाइस वगैरह जो था उसका भी धीरे धीरे आने लगा तो जो पर्पज था worship का सॉरी वार्शिप का वो जहां पे भी वही रहा मटेरियल गेंस एंड सन्स के लिए ठीक है क्योंकि बच्चों को जंग के लिए ले जाना था तो सन्स के लिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों एंड देन मटेरियल्स गेंद लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो मटेरियल्स तो स्परिचुअल पर्पस यहाँ पे भी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया ठीक है ना आ, अब जो है कुछ ऐसी प्रैक्टिस जहाँ पर जो है रिलीजियस शुरू होगी कि जिसकी वजह से लेटर सिक्स सेंचुरी के अंदर यू नो दो न्यू रिलीजन की एमरजेंस हो गई एंड देवियर बुद्धिज़्मी एच यू डी एच आई एस एम बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म Janism. इनकी कुछ ऐसी प्रैक्टिस थी जो अनएक्सेप्टेबल रही खासकर जो हमारे आ, वेशा जा क्लास थी इनके लिए के लिए। तो दिन जो है न्यू रिलीजन आपको जो है जहाँ पे जो है देखने को मिले बौद्धिज्म एंड जैनिज्म okay. तो थी इस तरह से सोसाइटी का जो है जहाँ पे अलीवेदिक एंड लेटरवेदिका के तो मिली आ, बट लेटर इधर लेटर एक एरा के अंदर और विमेन की जो पोजीशन थी ना विमेन की पोजीशन फर्दर जीटी रेट करके रेट करके क्या ना विमेन्स की जो पोजीशन थी वो फर्दर रेट होगी लेटर वेद के एरा ठीक है एंड लेटर वेद एरा का तो सिस्टम हो गया एंड यहां पे जो है महाजन की हम बात करेंगे बिफोर हम आगे ऐसे बौद्धिज्म एंड जैनिज्म को हम आर्ट एंड कल्चर के ओके okay. uh, जो है जहां पे हम जाना बेसिकली ये एंड uh, uh, बना लिया ठीक है तो जहाँ पे ये जो रीजन था चूंकि जहाँ पे जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी देन आए तो धीरे धीरे आयरन डिस्कवर हुआ एंड लोगों ने जो है इस एरिया में मूव करना शुरू किया एंड तब इसी रीजन के अंदर जो ये वाला रीजन था ना ये वाला रीजन जो है फर्दर जो है जहाँ पे जो है छोटी छोटी किंग जो ट्राइब्स थे वो तो ट्राइब्स धीरे धीरे जो है धीरे धीरे कुछ थोड़ा पावर जो है आपस में गैदर करने लगे एंड जो है एथनिक सोसाइटीज़ बनने लगी ठीक है ना तो रीजनस जो है अपने अपने जो है संभालने लगे लोग तो फाइनली जहाँ पे क्या हुआ कि जनरली जो है जब जो था मतलब टेंथ सेंचुरी बीसी के बाद ऐसा हुआ कि जहाँ की जो रीजन थे ना इन रीजन में ऐसा हुआ कि जहाँ पे डिवीजन होना शुरू होगी कुछ एरिया की इस तरह से इस तरह तरह से तो यहाँ पे जो है ये मान सकते हैं आपके सोलह जो है मेजर एक दो इस तरह जो है मेजर जो है मेजरली सोलह स्टेट्स बनी <coughs> सोलह स्टेट्स सोलह स्टेट्स जो थी काफी जो बड़ी स्टेट्स हैं उस इराकी मानी जाती है तो इनको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं महाजना पादस अब इसी महाजना की स्टोरी है कि सिक्स सेंचुरी बी सी के अंदर जो है लोग जो है इस साइड में मूव करना शुरू हुए एंड देन जो एरियाज के अंदर है धीरे धीरे जो है आ, आ, जो है आयरन का ज़्यादा यूज होने लगा एग्रीकल्चर सप्लास होने लगी अर, अर्बनाइजेशन होने लगी एंड धीरे धीरे जो है छोटी छोटी जो है टाउन्स का किंगडम्स का कंसेप्ट जो है पैदा हुआ जिसकी वजह से जो है महाजना की इमरजेंस हुई इस महाजनापादस के अंदर ना एक जो स्टेट थी जिसका नाम था मगध एम ए मगध जो स्टेट थी इसको स्टैब्लिश किया था पांच सौ चालीस बीसी के अंदर हरियाणिक डायनेस्टी एच ए हरियाणिक डायनेस्टी के एक किंग ने जिसका नाम था इसका नाम था क्या बिंदु बिंदु सार पे ये ये गलती आपको खत्म करेगी मी काट इट क्योंकि आपको जो याद रहे कि पे बिंदुसार नहीं Why? क्योंकि यहां पे है सार। दिं, दिं क्यों मैंने इसको अलग अलग करके लिखा क्योंकि बिंदुसार भी आगे है ठीक है बिम्बिसार भी जो है एग्जामिनर अक्सर जो है इसके साथ जो है आपको एक्सचेंज करेगा आपको जो है आपके लिए मुश्किल बनाएगा जहां पर बिंदुसार डालेगा एंड आपको बोलेगा डायनेस्टी डायनेस्टी जो जो है जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट के बिंदुसार ने की बिंदुसार नहीं बिंदुसार है बिम्बिसार है तो बिम्बिसार ने इसकी एस्टेब्लिशमेंट की ठीक है ना बिंबिसार का एक जो बेटा था उसका नाम था अजात शत्रु अजात अजात शत्रु ठीक है ना लेटर इसने अजात शत्रु ने क्या किया इसका जो है इसका इसका अजात शत्रु ने जो है काफ़ी मिलिट्री जो है कन्क्वेस्ट किए ठीक है ना जो आ, महा, आ, आजन पादा अंग था आ, वो अजात शत्रु को जो है बिम्बिसार ने दे दिया था ठीक है ना तो अजात शत्रु ने लेटर क्या किया कि आपने बाप को जो है मार दिया ठीक है ना और अज, अजात शत्रु ने जो है काफ़ी एक्सपेनिस्ड जो है पॉलिसी अपनाई ठीक है ना अपने फादर की तरह एंड जो काशी एंड वैशाली दो एरियाज थे काशी एंड वैशाली जो बिंबी सार ने अपने भाई को दे रखे थे वो एरिया भी अजात शत्रु ने छीन लिया एक तो बाप को मार दिया और अपने चाचा को मार दिया इससे काशी और वैशाली भी छीन ली काशी प्लस वैशाली जो थी थीशाली जो स्टेटें थी वो भी छीन ली ठीक है एंड देन जो इसने जो एस्टैब्लिश की पातली पुत्र पतली पुत्रा जो है कैपिटल मगध की एस्टैब्लिश की अजात शत्रु ने यहाँ पे मैं लिखूंगा पातली पुत्रा पाटली पुत्र एक्चुअल पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र एस्टेब्लिश की किसने अजात शत्रु ने ठीक है ना अब अजात शत्रु के बाद जो था आजाद शत्रु ने जो है आ, आ, पे पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया मगध का इसके बाद जो है उदयन आया उदयन के बाद जो है इसने जो है जो है पाटलिपुत्रा को इसने जो है थोड़ा ब्यूटीफाई किया ब्यूटीफाई किया थोड़ा, किय, थोड़ा इसको अपग्रेड किया दिन जो है लास्ट रूलर था लास्ट रूलर हरियाणा डायनेस्टी का बचा इनमें से शिशुनाग शिशु शिशु नाग को जो है फाइनली फिर जो है हरा दिया नंदा डायनेस्टी के एक रूलर ने जिसको कहा जाता है महापद्मांद पद्मानंद महापद् ने को तो हराया एंड एस्टेब्लिश की नंदा डायनेस्टी हरियाणिक डायनेस्टी का जहां पे खत्म हुआ एंड यहां से शुरू हुई आ, आ, नंदा डायनेस्टी तो नंदा डायनेस्टी जो थी आ, नंदा डायनेस्टी को फाइनली जो है आ, जहां पे एक जो है बहुत ही पावरफुल जो का रूलर आया नया मोरियंस का मोरियंस का जिसका नाम था वेरी एम्पायर चंद्रा गुप्त चंद्रागुप्त जो मौर्य था उसने जो है नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर लास्ट रूलर इनका था दानांद नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था इसको चंद्रागुप्त ने हरा दिया बट चंद्रागुप्त के जो कोर्ट था इसको असिस्ट किया एक बहुत ही उस इराका जिसको मानते हैं बहुत ही हाई लेवल का फिलासफर था जिसको हम कहते हैं चाणक्या चनक्या। इसके नाम पे आज कोचिंग भी चलते हैं ठीक है इसको तभी असिस्ट किया किसको चंद्रगुप्त चंद्रागुप्त मौर्या को बहुत सी जंग करने में एंड नंदा डायनेस्टी को भी हराने में एंड इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था विष्णु गुप्त विष्णु ये दोनों इम्पोर्टेंट मेक श्योर तो चंद्रागुप्त मौर्य को असिस्ट किया किसने विष्णुगुप्त ने जिसका जो है जनरली जिसको चनकिया के नाम से जानते हैं एंड इसने जो है नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद को हराया एंड जो है जहां से जो शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई मौर्यन अम्पायर मौर्यन एम्पायर चंद्रागुप्त चंद्रगुप्त को किसने जो है असिस्ट किया किया ने उसका नाम था ठीक है अब यही जो है ना इस बैटल की जो स्टोरी है आ, वो लिखी गई है एक बुक के अंदर जिसको लिखा है रा, लिखा है विशाखा दत्त ने विशाखा दत्त ने लिखा है खा दत्त ने लिखा है मुद्रा रक्ष प्ले जिसके अंदर जो है चंद्रगुप्त गुप्त मौर्या की जो ये जो बैटल है इसकी स्टोरी लिखी हुई ठीक है अब जो है इसी एरा के अंदर जो है ग्रीक जो है जो अलेक्जेंडर था अलेक्जेंडर जो है जो है इंडिया की तरफ मूव कर रहा था तो उसका जो एक गेटर, गेटर जो था कमांडर था किसका अलेक्जेंडर का जो ओ, फाइट कर रहा था कहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना तो देन आफ्टर क्या हुआ कि आफ्टर जो है मोरियंस का एंड अलेक्जेंडर का जो है कुछ पैदा हुआ एंड दिन जो है इम्पॉर्टेंट जो है, जो है एक जो है एम्बेसडर रखा एम्बेसडर ग्रीक ने इंडिया के अंदर रखा एंड एम्बेसडर का नाम था मेगास्थीन मेगास्थीन ये किसके कोर्ट में था चंद्रागुप्त मौर्य के कोर्ट में था मैगस्थीन मेगास्थीन ने एक बुक लिखी वेरी इंपॉर्टेंट एक तो मैगस्थीन नाम इंपॉर्टेंट है और दूसरा इसकी बुक तो इंपॉर्टेंट होगी भाई क्योंकि एग्जामिनर पूछ चुका है एंडिका एंडिका के अंदर इसने लिखा है सोशो रिलीजियस सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिस जो इंडिया की थी उस इरा में मौरियज के इरा में उसको इस बुक के अंदर लिखा है इंडिका के अंदर इंडिका बुक लिखी है मेगास्थीन ने मेगस्थीन जो था एम्बेसडर था ग्रीक्स का चंद्रगुप्त मौर्या जो गुप्त मौर्या है ना चंद्रगुप्त मौर्या ने, ने फाइनली क्या किया कि चंद्रागुप्त मौर्या ने जो है, आ, बाद में जो है सलेखना अपना लिया ना किया एंड फाइनली ही डाउट जो अश्लेखना जो है अश्लेखना के लिए असिस्ट किया इसको बद्रा बाहू ने बद्रा बद्रा बाहू बद्रा ने असिस्ट किया किसको चंद्रागुप्त मौर्य को सी एच मौर्य को एंड देन जो है एनजब अपनाया अश्लेखना किया एंड देन द पर्सन डाइड तो यह जो था आ, इसके बाद जो रूलर था बिंदुसार जो रूलर था ना वो इसका था मौर्यन अंपायर का रूलर यहाँ पे आता है ठीक है तो चलिए बिंदुसार जो है बिंदुसार का तो यहाँ पे आता है बट जो है वहाँ पे जो हमने पीछे हमने डिस्कस किया वो कौन सा किया हमने पीछे बिम्बिसार जिसने मगध एम्पायर को एस्टेब्लिश किया तो बिंदुसार जहाँ पे आता है ये जो बिंदुसार बंदा है ना इसने सेकंड बुद्धिस्ट कौंसिल भी करवाई थी ठीक है ना तो वेरी इंपॉर्टेंट जो दैट्स अबाउट बिम्बिसार एक ऐसा बनता था जिसने दोनों जो थे आ, दोनों देखे थे दोनों जो रिलीजन कंटेम्प्रेरी उसी के एरा में इमर्ज हुए जेनिज्म भी एंड बौद्धिज्म भी वो हैड मोरियंस की हम बात कर रहे हैं तो मोरियंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट रूलर जो आया वो आया अशोक है ना अशोका जो था चक्रवर्ती इसको माना जाता है चक्रवर्ती रूलर छो जिसको कोई भी रोक ना पाए जिसकी एक्सप्लेनेशन तो अशोका का जो है अशोका ने क्या किया कि अशोका ने ईस्ट ओडिशा कोस्ट पे एक वार लड़ी कलिंगा अशोका तो काफी पावरफुल किंग था उस जमाने का ठीक है तो कलिंगा वार लड़ी एंड देन लॉर्ड ऑफ पीपल्स डाइड्स तो इसने ब्लड शेड देखा वहां पे इसने देखा तो बहुत से लोगों की जो है मौत होगी एक जंग की वजह से एंड देन इसने जो है मिलिट्री कंक्वेस्ट छोड़ दिया एंड इसने कल्चरल कंक्वेस्ट अपनाया इसका था मिलिट्री कंक्वेस्ट ठीक है ना मिलिट्री की वजह से जो है एक्सपेनेस्ट करता था या दूसरे जंगे लड़ता था इसने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई धम्मा ठीक है ना तो इसने कल्चरल uh, शुरू किया कल्चर शुरू किया ठीक है ना अंदर अंडर द पॉलिसी ऑफ धम्मा ठीक है धम्मा की जो पॉलिसी है ठीक है अशोका का हुआ ये अशोका इंपॉर्टेंट था अशोका के बाद मौर्यन एंपायर जो फर्स्ट लास्ट पे था उसका नाम था बेहद बेहद रथ को फाइनली जो है पुशी मोहतर शिंग ने ये वाला जो रीजन था आप तो इसने एस्टेब्लिश की जहां पे शुंगा डाइनेस्टी डायनेस्टी से खत्म होगी बट जहां पे हम इंडिया की बात करें तो अब क्या हुआ कि चूंकि जो मोरियंस थे वो तो पावर और रूलर्स थे और उन्होंने पूरी इंडिया को यूनाइट करके तो एक जगह बना ली थी बट वट हैपन्ड आफ्टर दैट तो जहां पे जो क्या हुआ लेटर जहां पे एक जो है एस्टेब्लिश हो गए चूंकि जो मोरियंस जब चले गए उसके बाद जो है वीक हो चुके थे रीजन एंड तब ग्रीक्स ने जहाँ पे या सेंट्रल एशियंस ने जहाँ पे अटैक करना शुरू किया एंड उन्होंने आना शुरू कर दिया तो जहां पे जो है गुजरात रीजन में जो है इस्टेब्लिश हुए शाकास तो शाकास जो है रुद्रा दमन रुद्रा दमन रुद्रा रुद्रा दमन ने इसने रिपेयर करवाई रिपेयर करवाई सुदर्शन लेक सुदर्शन लेख सुदर्शन ठीक है ना सुदर्शन लेक इसने जो है आ, आ, इसने जो है तब रिपेयर करवाई लेकिन सुदर्शन लेक जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी ठीक है एंड जो है जहां पे इसके ऊपर फिर आगे इस रीजन में आगे आकाश के ऊपर पार्थियंस ठीक है ना पार्थियंस आ गए एंड पार्थियंस का जो इंपॉर्टेंट रूल था वो था गोंडो फेरनस गोंडो फेरनस है इंपॉर्टेंट रूल ठीक है एंड जो है uh, इसी जो पार्थियंस के एरा में जो है जहां पे एक रिली एक सेंट ने विजिट किया था सेंट थॉन ताकि वो क्रिश्चियनिटी को इस एरिया में uh, जो है वोटकार पाए तब जो है इधर इस एरिया में जो है यहां पे आगे कुशानस तो कुशानस जो थे ये कनिष्क इसके अंदर इंपॉर्टेंट रूलर था बट रिमेंबर कनिष्क इसका पहला रूलर नहीं था अब जो कुशानस है कुशानस के जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए कि यहां पे जो हाईएस्ट मोनेटाइजेशन देखने को मिली इसके एरा में हाईएस्ट मोनेटाइजेशन एंड इसने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड गोल्ड प्रोड्यूस गोल्ड प्रोड्यूस जस्ट ठीक है ना एंड फर्दर इसने कॉपर uh, कॉइंस भी जो है coins, काफी लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस किए इसने तो uh, जो है uh, जो आर्किटेक्चर था उसको पै, पैट्रोनॉइज किया ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट जो है और इसके जो है ना इसने जो गोल्ड कॉइन्स रिलीज किए ना इसको हाइस्ट प्योरिटी गोल्ड क्वाइंस माना जाता है हाइस्ट प्योरिटी यह मैं लिखता हूं क्योंकि आपको कभी और कोई गुप्ता गुप्ताज का या किसी का पूछ के कंफ्यूज ना कर दें कनिष्का का सबसे हाइस्ट प्योरिटी के जो गोल्ड कॉइन्स थे वो इसी के एरा में जो है ठीक है ना हाइस्ट मॉनिटाइजेशन भी इसी के इसी रीजन में जो है कुशहाना ठीक अब वापस आते हैं हमने शाकाज, पार्थियंस डिस्कस कर दिए ठीक है ना अब हम वापस आते हैं इस पे शुंगाज पे तो शुंगा को जो है पश्चिमित्र शुंग ने जो है स्टेब्लिश किया जहाँ पे किसको हरा के किसको खत्म करके यहाँ पे हमने बेहद रथ किसका था मोरियन का था इसने शुंगा जहां पे इस इसी शुंगा पे हम वापस आ गए रिपीटिंग शुंगस ठीक है शुंगास के जमाने में एक प्ले लिखा गया वो तो जिसका इका अग्निमित्र मित्र का अग्नि अग्निमित्र शुंगज का शुंगा का पुषमुत्र शुंगा पुषमित्र जो शुंगा है ना उसका बेटा था अग्निमित्र एंड जो है मालवी का एक वहाँ पे लेडी थी एंड इसकी लव स्टोरी जो है लिखी है राइटर ने ठीक है तो मालवी को अग्निमित्र जो है देन जो इस शुंगास है ना इस शुंगा को बाद में रिप्लेस किया कनवाज ने कनवाज ने और कनवास को एस्टैब्लिश किया था किसने वासुदेव वासुदेव कनवा वासुदेव कनवा ने कनवा जो डायनेस्टी है जहाँ पे है इसको इसी के टाइम में जो है फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम जो है भागवतजम भागवत भागवत जो है आ, जो है यहाँ पे जो है प्रैक्टिस होना शुरू हुआ एंड जो फर्स्ट पिलर है जो फर्स्ट पिलर है जिसका हमें जो एविडेंस मिलता है कि भागवतिज्म जो है शुरू हुआ इस उस वक्त आ, 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 हमें मिलता है जहाँ पे, ठीक है ना? एंड भागवत जो वार्शिप है जहाँ पे इमर्ज शुरू हुई ठीक एंड जो हीलियोडोरस था एक ग्रीस जो था उसकी राइट इसमें हमें जो एंड दिन जहाँ पे जो है बिल्सा एच आई एल ऐसे बिल्सा यह है मध्य प्रदेश के अंदर जगह का नाम बिल्सा ऑलरेडी पहले भी एग्जामिनर पूछ चुका है जगह का नाम जहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा जो है आयरन पिलर आयरन पिलर जो है जहाँ पे एक्ट किया गया जिससे हमें भागवतिज्म एविडेंस ठीक है ना एंड जहाँ पे हमने की अब हम बात करेंगे इस रीजन की इस रीजन की इस रीजन की ठीक है ना जहाँ पे जो एस्टेब्लिश हुई डायनेस्टी उसका सतवन चलिए तो थोड़ा आगे चलते हैं ऐसे मैप बनाऊंगा डायनेस्टी ना तो जो सतवाहन डायनेस्टी थी तो देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सतवाहन जो डायनेस्टी थी ये सिमूख ने फर्स्ट सेंचुरी फर्स्ट सेंचुरी एडी के अंदर स्टेबलिश एंड देन जो थी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूलर था वो था गौतम उत्तर सत्कर्णीटेंट इसका रूलर था स्टाइनस ये मैट्रिलिनियल स्टेटस ठीक है ना इसने जो है पेट्रोनॉइज किया ब्रह्मनिज्म को पेट्रोनॉइज किया इसने ब्रह्मनिज्म को पेट्रो ब्रह्मनिज्म बी को इसने जो है पेट्रोनॉइज किया एंड इसी ने जो है फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना फर्स्ट टाइम इसने लैंड जो है लैंड ग्रांट करनी शुरू कर दी किसको ब्रह्मन्स को को लैंड ग्रांट करने शुरू कर दी जिसका रिजल्ट यह हुआ कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी डी अर्बनाइजेशन सॉरी डी अर्बनाइजेशन वजह से होनी शुरू तो थे सतवाहन सतवाहन ने जो है ब्राह्मणिज्म को प्रैक्टिस की ठीक है ना तो फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने जो है लेड कॉइन जो है कमर्शियल ट्रांजेक्शन एड कॉइन एड कॉइन ट्रांजेक्शन के लिए जो है ना तो गाता सती जो बुक है जो लिखी है इन इनप्रैकरेट ये डिस्कस कर

एस चलो यहां पे थे जो किंगडम कंफ्यूजन के पांड्या इधर थे कि इधर थे बट कोला चेराज पांडिया ठीक है ना ये जो थे, थे किंगडम जो थी ये जो एरिया थे ये जो आज थी जैकिंग क्योंकि इनको जहाँ पे ट्रेड है इजिली ये नेविगेट कर पाते थे यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती थी हाइवरी की पर्ल्स की ठीक है ना तो इनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी थी स्पाइसिस वगैरह की ठीक है स्पाइस वगैरह की जो है जहाँ पे ट्रेड होती थी और नेविगेशन में बहुत अच्छे थे क्योंकि है कोस्टल एरियाज में जो पड़ते हैं ठीक है ना और जो पांड्यास है ना पांड्यास पांड्यास को कल्चरल रीजनरेटर भी माना जाता है क्योंकि पांड्यास के अंदर जो है संगम जो है संगम आ, जो तीनों संग, संगम असेंबलीज हैं वो इनके अंदर हुई हैं असेंबली पांड्यास के अंदर हुई हैं ठीक है एंड देन इसके बाद जो टाइम शुरू होता है वो होता है का शुरू गोभी में तब कंट्री काफी ब्रेक कर चुकी गुप्ताज ने फिर से जो है कंट्री एड किया गुप्ता को जो स्टैब्लिश किया किया एंड सॉरी uh, चंद्रागुप्त फर्स्ट ने जो है तो गुप्ता डायनेस्टी जो है दिन इसके बाद आया समुद्रगुप्त इसको सेकंड चक्रवर्ती माना चलता शोका समुद्रगुप्त को सेकंड चक्रवर्ती जो है तो इसको नेपोलियन ऑफ ईस्ट भी कहा जाता तो इसके कोट जो था आ, जो, आ, गुप्त जो था आ, इसको आ, इसके कोट के अंदर जो थे एन थे के अंदर दो इम्पॉर्टेंट जो वो आपको हमेशा एग्जाम के अंदर हेल्प करेंगे एलिमिनेट करने की कालिदास ने तो बहुत सी बुक्स जो हैं लिखी हैं ठीक है ना अभी हम आगे देखेंगे अमर सिम्हा ने लिखी है अमर कोश अमर ठीक जो है कालिदास की बहुत सी चार पांच बुक हैं आप तो इसने लिखी हुई है ठीक है ना इकोनॉमी उस वक्त की अगर हम देखें तो इन्होंने जो है ज्यादा से ज्यादा जो है गुप्ताज ने ब्राह्मण्स को और भी ज्यादा फेवर करना शुरू कर दिया ठीक है ना जिसकी वजह से काफी जो है डीअर्बनाइजेशन uh, होगी क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा जो सतवाहन लैंड देते थे ना ब्राह्मण्स को इन्होंने भी लैंड जो है ब्राह्मण्स को देनी शुरू कर दी uh, अब जो था uh, इसका uh, जो है इस एरा के अंदर जो है एक बौद्धिस्ट स्कॉलर था फाहिन uh, फाहिन ने जो है uh, इसके एरा में जो है विजिट किया है गुप्ताज के एरा में जो है जहाँ पे विजिट किया तो रिलीजियस प्रैक्टिस उस वक्त की ये थी कि भागवतिज्म uh, को कंटिन्यूसली जो है वारशिप uh, किया जाता था काफ़ी फ्लरिश कर रहा था ठीक है ना उस वक्त के जो हैं तीन इम्पॉर्टेंट टेंपल्स इनके जो अब जी भी सर्वाइव कर रहे हैं टेम्पल एक है पेतर गाँव दूसरा है पेतर गाँव है खानपुर खानपुर के अंदर पेतर गाँव एंड देन वी हैव देवगढ़ 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 कहाँ ठीक थी तो तीन टेम्पल्स का हमने लिखा इसके जो नाइन ल्यूमिनरीज थे उसमें से दो इंपॉर्टेंट थे अमरसीमा अमर कोश ये हमने लिखा समुद्रा तो गुप्त को नेपोलियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है ये हमने लिखा ठीक है ना चंद्रागुप्त फर्स्ट एंड चंद्रागुप्त सेकंड जो थे जो इंपॉर्टेंट इसमें दो तो और जो है रूलर जो हैं जाते हैं समुद्रा गुप्त के अलावा भी ठीक है ना समुद्रा गुप्त का एक इम्पॉर्टेंट ये कि वो बीना प्ले करता था ठीक एंड बुद्धिस्ट इन ने इनके इनकेरा में जो है विजिट किया है इंडिया के अंदर एक तीन टेम्पल्स हमने देख लिया ऑलरेडी तो वेमेंस की जो पोजीशन थी ना अब हम थोड़ा सोशल्स की हम बात करें जो वेमेंस की पोजीशन थी वो काफ़ी डिटोरेट हुई एमन की पोजीशन काफी जो है वो डिट्रीट होगी जो ग्लेयरिंग कांसेप्ट है किसका ग्लेयरिंग कांसेप्ट है सती का वो इमर्ज हुआ जिसकी हमें जो है एविडेंस मिलता है एरम से एरम जो है एमपी के अंदर क्या है पिलर है उससे हमें मिलता है कि जो है सती का जो कांसेप्ट है इस एरा के अंदर जो है मर्ज हुआ तब बट हाउएवर एक बंदा था कतायन ए टी था थान ने जो है एमरेट करने की कोशिश की इसकी इम्यलोरेट करने की कोशिश की वीमेंस की जो है पोजीशन को एंड धन का कंसेप्ट जो है उसने सतरीदन का जो कंसेप्ट है उसने दिया ठीक तो वीमेन की पोजीशन जो है काफ़ी जिटरेट होगी सती का कंसेप्ट ग्लेरिंग कंसेप्ट जहाँ पर हमें देखने को मिला ठीक एंड जो है कास्ट्स के अंदर अगर हम देखें तो जहाँ जो है चंडाल्स की चार्ल्स की एक जो है में जो है लोएस्ट जो है अनटचेबल्स की जो है कास्ट हमें देखने को मिली ठीक तो इसके बाद जो है हर्षवर्धन जो आ गया हर्षवर्धन जो रूलर्स था अब वो आ गया हर्षवर्धन ने जो है हर्षवर्धन ने जो है तीन जो है स्टेबल तीन बुक्स जो हैं लिखी हैं एक है रत्नावली है रिया दसक, रिया है नागनंद। ठीक है ना ये जो बुक्स है तीन लिखी है किसने हर्ष अवर्धन ने ठीक है अब हम साउथ की थोड़ा बात करें साउथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो थे नर्मदा रिवर था नर्मदा रेवर, नर्मदा रिवर नर्मदा रिवर पे जहाँ पे ऊपर थे कौन ऊपर था जो है हर्षवर्धन हर्षवर्धन का अंपायर था ऊपर नीचे जहाँ पे था चुलाकीज चलुकियाज का एक रूलर था पोलास्किन सेकंड आगे मैंने लिखा है जहाँ पे थोड़ा पोलिस्किन सेकंड था पोलिस्कन सेकंड ने जो है नर्मदा के किनारे जो है हर्षवर्धन को शकास्त दी थी हराया था इसको ठीक है तो अब हम बात करें जो बाकी जो थे अब फिर इस ऊपर वाले रीजन में जो है पालाज आगे पालाज को एस्टेब्लिश किया था गोपाला ने पाला ने एस्टेब्लिश किया पाला को पाला को इस रीजन में ठीक है ना देन आगे प्रतिहार्स प्रतिहार्स को किया मीर भोजा ने ठीक है नीचे जो है इस रीजन में जो है एक और एम्पायर एस्टेब्लिश हुई वेरी इंपॉर्टेंट राष्ट्रकूटा जिसको किया था दांती दुर्ग दांती दुर्ग ने जिस एम्पायर को जो है एस्टेब्लिश किया इसका जो है इसका राष्ट्रकूटा एम्पायर का एक इंपॉर्टेंट राइटर था जिसका नाम है वर्ष वर्ष जो है एक जिसने बुक लिखी कविराज का इसी का जो है राष्ट्रकूटा अंपायर का ही जो है एक रूलर था राज राजा राज राजा फर्स्ट जिसने है जिसने पूरे जो है तीनों साउथ की जो किंगडम्स थी टोला चेरा पांड्या सबको हरा दिया था और श्रीलंका भी जो है पूरा फतह कर लिया था राज राजावन इसका एक और रूलर था जिसका नाम था राजेंद्रा फर्स्ट रजिंद्रा फर्स्ट इसने जो है एक एक्सपेडिशन लिस्ट की लैड की वेस्ट बंगाल के अंदर वहाँ पे जब ये पहुँचा तो उसने जो है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो जब जो इसकी एक्सपेडिशन जो है गई तो वहाँ हाँ अमोघ वर्ष ने लिखी कविराज कविराज मर्ग जो लिखी ये लिखी अमोघ वर्ष ने एंड जो राज राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट है ये जो थे चोला एम्पायर के चोला एम्पायर के रूलर थे राज राजा फर्स्ट ने जो है बाकी जो थे चेरा और पांड्या को जो है रा और पांड्या को नेक्स्ट कर लिया कम्प्लीटली एंड श्रीलंका को भी फतह कर लिया देन रजिंद्रा फर्स्ट जो एक बंद इम्पॉर्टेंट रोलर था इसने वेस्ट बंगाल की तरफ एक एक्सपेक्टेशन एक एक लैड की एंड वहाँ पे जो है एक टाइटल दिया गंगाई कोड चोला ठीक है गंगाई कोड चोला जो है रजिंद्रा फर्स्ट का टाइटल अब जो तमिलनाडु जो है तमिलनाडु के अंदर जो नाडु है नाडु बेसिकली यूनिट था उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन का चोला एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट था यहाँ पे एक और दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमें यहाँ पे नोट करनी है एक विलेज विलेज जो होता था विलेज के अंदर दो ग्रुप्स रहा करते थे एक होता था चेरी एंड दूसरा होता था अग्रहारा अग्रहारा अग्रहार जो चेरीज होते थे इसमें जो है अनटचेबल्स या लोअर क्लासेस वगैरह वाले रहते थे ये गांव का वो एरिया है जिसके अंदर चेरी एरियाज वो होता था जिसके अंदर लोअर क्लासेस के लोग रहते थे अग्रहार एरियाज वो होता था जिसके अंदर अपर कास्ट के लोग रहते थे ब्राह्मण्स, ठीक है ना तो दैट वाज इट फ्रॉम हिस्ट्री के हमें इतना जो है इतना चलना है एंशंट हिस्ट्री में काफ़ी लिंक थी हो गया बट वर्ड वी डू वी हैव ए बिगन नाउ एंड वी आर स्टिंग पार्ट्स ऑफ एंशंट हिस्ट्री एंशंट हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंस क्या है ये कि एंशंट इंडिया के अंदर जो इंडिया थी एक बहुत ही बड़ी यूनाइटेड जो थी रीजन था, था, ना सिस्टम अशोका एंड सुम गुप्त के अंडर तो मॉडर्न हिस्टोरियंस जो एंशंट हिस्ट्री की बात करते हैं मनुस्मृति जो है आ, इसको है जो है कोड ऑफ जेंटुलास इसको इंग्लिश के अंदर जो है ट्रांसलेट किया है नेथिनियल, नेथीनियल हेलिद ने, इस तरह जो विलियम जोन्स था एशियाटिक सोसाइटी इसने की ठीक है ना अभी जन ना शुकंतलम इसने जो है इंग्लिश के अंदर जो है ट्रांसलेट इस तरह जो भागवत गीता है फर्स्ट टाइम ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ना ये इंपॉर्टेंट है Wilkins ने जो है इंग्लिश में जो है कन्वर्ट बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी जो है जेम्स मैकन ने स्टैब्लिश की थी किसके जो है आ, आ, जो है दूसरा लिटरेचर है जो इंडियन लिटरेचर है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया एंड जो इंग्लिश जो इंडिया की नॉलेज है उसको में लाने के लिए इसी तरह जो एशियाटिक सोसाइटी है ग्रेट ब्रिटेन की ये एक्ट पास किया था ब्रिटेन ने ताकि जो दूसरा लिटरेचर है आ, उसको जो है जो रेशनल एंड साइंटिफिक लिटरेचर है उसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट किया जाए एंड उसको स्टडी किया जाए ठीक सेकंड बुक्स ऑफ ईस्ट जो है मैक्स मुलर ने जो है लिखी हुई है ठीक है एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थर स्मिथ ने लिखी है अभी हम बुक्स की बात कर रहे हैं तो यहां पे भी तीन इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इधर एक है राजेंद्र लाल मित्रा की इसने राजेंद्र लाल मित्रा की बुक है इसने लिखी है इंडो आर्यन ठीक है दूसरी है फिर आर जी भंडारकर की इसने लिखा है ऑफ 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 हिस्ट्री मैरिज मैरिज चाइल्ड ठीक फिर है वी के रजवाड़े की इसने लिखा है महाराष्ट्र हिस्ट्री ये इंपॉर्टेंट है पूछ सकता है देन इसके अंदर दूसरी भी है आप इनको पढ़ सकते हैं और ये है आर सी जुमदार हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल ये इम्पोर्टेंट है अभी तो आप याद नहीं कर सकते इसलिए मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ आप उन्हें को तो देखें बाकी भी आप देख सकते हैं बट ह्यूमन कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि आप सब कुछ पढ़ पाएं इफ शू ट्राई टू स्टडी एवरी थिंग देन फाइनली जो इन लॉस्ट एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ भी नहीं होगा जस्ट जितना ओके सो आई एम सिंह कि जितनी कैरेनियल कैपेसिटी है ह्यूमन की कैपेसिटी है आप इतना ही प्रोसीड करें ठीक तो ये जो चार बुक्स थी राजेंद्र लाल मित्रा की और स्पेशली आरसिमजमदार की ये जो बुक्स है ना बेसिकली इन बुक्स से हमें पता चलता है कि एंशंट हिस्ट्री पे इन्होंने कुछ लिखा है ठीक है ना जिससे हम एंशंट हिस्ट्री को जो है स्टडी चलिए अब सोर्सेज की हम बात करते हैं अब तो हम जो है हमने अवरव्यू देख लिया है अवरव्यू काफी इन थी था एग्जस्ट कर दिया उसने बट एनी वेट्स मान ला अब हम रस्ते पे हैं जो टाइप्स हैं सोर्स एंड हिस्टोरिकल हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिससे हम जो पुरानी हिस्ट्री है उसको रिकन्स्ट्रकट करें क्या क्या है हमारे पास कुशाना पीरियड का जो हमारे पास कॉन्स मोल्ड हैं को मोल्ड्स हैं हम कुशाना की हिस्ट्री है रिकन्स्ट्रक्ट कर ओरियन टाइम का जो हम हमारे पास कॉइंस हैं LED है प्रोटीन बेसिकली है. है ये बनता है ये एक एलॉय है एलॉय होता है जिसके अंदर दो दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिलाते हैं जो प्रोटीन है ये बनता है लेड प्लस कापर प्लस तीन इसको मिला के बनता है लेड ये सॉरी प्रोटीन है ना इस तरह कॉपर, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड हमें मोरियन एरा के एविडेंसेस मिलते हैं ना इस तरह गुप्ता एरा का हमें है गुप्तारा ने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो है इशू किए हैं किसने गुप्तास ने बट जो हाएस्ट प्योरिटी थी गोल्ड की वो थी कुशाना की दो इन्होंने तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए बट हाइस्ट जो थी ठीक तो अशोका ने अनस्क्रिप्शन का हमें अनस्क्रिप्शन जो, जो है हमें मिलती है ठीक है अशोका ने बहुत से पिलर जो हैं वो इरेक्ट किए हैं तो वो हमें मिलते हैं जो पिलर्स पे राइटिंग्स है वो प्रैक्रेट में लिखी हुई रेमनी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी है और जो आपको पता है जो अफगानिस्तान के अंदर जो हमें पिलर्स मिलते हैं ना उसके अंदर जो है ग्रीक एंड एरेमिक स्क्रिप्ट का जो भी जो है यूज़ हुआ है ठीक है तो यहाँ पे जो है नॉर्थ वेस्टर्न जो है अशोकन इंस्क्रिप्शन इनस्क, के उसके अंदर हमें क्रोस्टी स्क्रिप्ट जो है देखने को मिलती है ये भी जहाँ पे इंपॉर्टेंट है खरोश्टी स्क्रिप्ट जो है जिस तरह से उर्दू लिखा जाता है ना उर्दू उर्दू जिस तरह से लिखा जाता है ये इस तरह से लिखी जाती है इस साइड से इस साइड में ठीक है ना तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है ये इस तरह जिस तरह से इंग्लिश लिखी जाती है वैसे लिखा जाता है जेम्स प्रिंसिप जो है इसने फर्स्ट टाइम जो है डिसीफर किए कौन से एडिक्ट जो अशोकन एडिक्ट थे

हेल्प uh, कर रहे हैं देर आर लाड ऑफ सोर्सेज बट हम सडन इंपॉर्टेंट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज एग्जामिनर इन्हीं पे ही फोकस करता है एंड रिपीटेडली पूछ चुका है ठीक है तो जेम्स प्रिंसिप की हमने बात कर रहे थे फर्स्ट टाइम इसने डिसीफियर की थी अशोकन इनस्क्रिप्शंस, जो पिलर्स पे लिखी हुई थी तो उस टेक्स्ट को इसने रीड किया था देन वी है वट विदंगज आर विदाज बेसिकली सिक्स है हमारे पास तो वेदंगाज क्या होते हैं विदिंगा जिस तरह हमारे पास जो है वेदाज हैं तो वेदाज जो है या संस्कृत हमारी जो है इसका जो लिटरेचर होता है ना इसको स्टडी करने के लिए जिस तरह ग्रामर होता है ग्रामर या इसको कैसे जो है स्टडी करना है फोनेटिक्स कैसे होंगे ठीक है ना तो इस चीज को जो है हम जो है हमारे पास जो है कुछ बुक्स लिखी हुई है जो इसके रिलेटेड हैं ठीक है तो इनको हम कहते हैं विदंगाज आ शिक्षा है शिक्षा के अंदर हम फोनेटिक्स देखते हैं किस तरह से आपको जो है प्रोनाउंस करना है वर्ड्स को आ, कल्पा रिचुअल्स किस तरह से परफॉर्म करनी आ, वाया है वायाकर्न ठीक है ना देन वी है के वोड का जो है एटीमोलोजी वोड की ठीक है देन वी है चंदा जिसके अंदर जो है मेजरमेंट के जो आप बहर लिख रहे हैं वर्ष की कितनी लेंथ होगी जब पॉइट्री लिख रहे हैं तो दूसरी वर्ष कितनी होगी है ना कितनी कितनी लेंथ की दीज वी आर मैट्रिक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट जैन वी हैव ज्योतिषा ज्योतिषा के अंदर हाँ ये देखते हैं कि किस तरह से जो है एस्ट्रोनॉमी इम्पैक्ट करती है जो तारों की नॉलेज है या यूनिवर्सल नॉलेज का तो ये भी इम्पोर्टेंस काफ़ी रखती है हमारे लिए देन जो हमारे पास दो आ, मेजर एपिक्स हैं एंशंट एक एक एरा की एक है रामायण एंड दूसरी है महाभारत ठीक है ना तो महाभारत जो है पहले जो फर्स्ट टाइम जो लिखी गई थी गणेश ने ये इसका पहले नाम था जया जिसके अंदर आ, 800 हंड्रेड एंड एट वर्ष वर्स थी देन इसका नाम चेंज हुआ हो गया भारत जिसके अंदर जो है भारत के अंदर 24000 थाउजेंड वर्सेस थी देन लेटर uh, इसको जो है आ, इसको जो है कुछ इसके अंदर और जो स्टोरीज है और ऐड हुई तो देन इट बिकेम महाभारत एंड इसको जो है इसका एक दूसरा नाम है महाभारत का सामिता mm -hmm. mm -hmm. इसके अंदर वन लाख वर्सेज है ठीक है ना ये भी किसका महाभारत का नाम है रामायण जो है ये मोर यूनिफाइड है ठीक है ना देन uh, महाभारत और इसके अंदर है ट्वेंटी फोर थाउजेंड वर्सेज वी हैव अदर इंपॉर्टेंट बुक्स और इनके अंदर क्या है जो यहां पे हाईलाइटेड है आ, हमारे पास है सूत्रा जो सिक्स हंड्रेड से थ्री थ्री हंड्रेड बी सी के अराउंड लिखी गई है इसके अंदर है कि रॉयल करोनेशन सेरमनीस फॉर हायर थ्री वर्नास वर्नास हमने चार डिस्कस किए जो लेटर वेदिकेरा के अंदर इमर्जी हुए तो हायर थ्री वर्नाज की जो है सरमनीज रॉयल सरमनीज जो किस तरह से परफॉर्म होंगी देट इज रिटन इन दिस तरतरा में ग्री हाथ This दिस इज इंपॉर्टेंट दिस यू नी टू रिम्बर इसके अंदर डोमेस्टिक रिचुअल्स मतलब किस तरह से आपकी बर्थ होगी किस तरह से आपको जीना किस तरह से आपकी डेथ परफार्म होंगी दीज थिंग गरी हाथ सुथराज वी हैलवा सुथराज एंड बुधाज सलवा सुथराज बाई बुधा ठीक है ना कलवा सूत्र बाई बदायनस मेजरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्रीफिशियल अल्टर्स मार्क बिगिनिंग ऑफ स्टडी ऑफ ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स दिस बुक अगेन इम्पॉर्टेंट रेहा सूत्रा एंड सलवा सूत्रा बाई बुदायन बुदायन जो है इसने जो है नीम रखी है मैथमेटिक एंड ज्योमेट्री की इंडिया के अंदर देन वी हैव बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है हमारे पास जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं ये पाली लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट जू हेव टू रिम्बर लाइक बी पी एंड बी पी से पाली ठीक है तो बुद्धिस्ट पाली लैंग्वेज और जो जैन की टेक्स्ट है ये है प्रैक्रेट जब एग्जामिनर पूछेगा वो ऐसे पूछता है कि बुद्धिस्ट जो है वो प्रैक्रेट है जैन जो है वो पाली वो पाली लैंग्वेज का जो है उसके जो है बुक्स लिखी गई तो दिस यू हैव टी रिम्बर दैट बुद्धिस्ट ने यूज किया है पाली लैंग्वेज का एंड जेन ने यूज किया है प्रैक्रेट लैंग्वेज कंपाइल्ड कब हुई है एडी में जो है जैन की टेक्स्ट जो है प्रैक्रेट में प्रैक्रेट लैंग्वेज इसके अंदर यूज हुई है कंपाइल हुई है एडी में ठीक है कहा वलाबी गुजरात के अंदर ठीक है तो जहां से हमें दो चीजें पता चलती हैं वलाबी गुजरात के अंदर है और एक तो जैन के टे, टेक्स्ट वहां पर कंपाइल हुई है देन वी हैव बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट जो है पाली लैंग्वेज में लिखी गई है सेकेंड सेंचुरी बी के अंदर जो है श्रीलंका के अंदर जातक जो है फिफ्टी फिफ्थ बर्थ जस्ट जो, जो है जहाँ पे यही इम्पॉटेंट है बुद्धिस्ट जो है पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया इसने अपनी टेक्स्ट लिखने के लिए इसकी इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो अभी हम आगे देखेंगे जिस तरह अबीदम है सतपटी सु, का वो हम आगे देखेंगे ठीक है ना इसकी तीन इंपॉर्टेंट बुक्स हैं धर्मशास्त्र अगेन इम्पॉर्टेंट जिससे हमने एंशंट हिस्ट्री रिकनसट्रक्ट की है अजे कंपाइल हुई है इस एरा के अंदर एरा इज नॉट इम्पॉर्टेंट जस्ट धर्मशास्त्र जो है एक ओल्ड बुक है कालिदास कालिदास को हमने पीछे देखा एंड वहीं पे मैंने कहा था कि कालिदास जो है जो नाइन ल्यूमिनरीज थे उनमें से कालिदास एक इम्पॉर्टेंट था और कालिदास ने बहुत सी बुक्स जो हैं लिखी है इसकी बुक्स हमें पूरी याद होनी चाहिए टाइफ ऑफ़ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया जो है गुप्ता टाइम के पीरियड बेस ने लिखी हुई चलिए जो फारियन अकाउंट्स है जो फारियन ट्रेवलर्स हैं जो इंडिया में आए एंड उनके अकाउंट्स भी अक्सर इस पर कभी कभी एग्जामिनर पूछता है मेगास्थींस जो है अलेक्जेंडर ने भेजा हुआ था एंडिका इसने लिखी इसके अंदर जो है इसके कोर्ट में था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में था ठीक है ना इसने ये बताया कि इंडिया में एट दैट टाइम्स कोई सिलेब नहीं था फॉरियन एडमिनिस्ट्रेशन की सोशल्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसने जो है अपनी बुक के अंदर हाईलाइट की हुई है ठीक देन वी हैव एंड ह्यून देखो एच से होता है ह्यून सिंह और एच से होता है हर्षवर्धन हर्षवर्धन ठीक है ना इसका मतलब है कि ह्यून सिंह आया है हर्षवर्धन के एरा में ठीक इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं फाइन इससे पहले आया है फाइन जो आया है ये आया है गुप्ता के एरा में मोस्ट स्पेशली चंद्रा सेकंड एक चंद्रागुप्त सेकंड जो है ये समुद्रागुप्त के भी बाद आया था ठीक है तो जो है जो फाइन है ये बेसिकली एक बौद्धिस्ट था ये आया था बौद्धिस्ट शराइन्स को विजिट करने के लिए फिफ्थ सेंचुरी एडी में इंडिया में आया इसने सोशल रिलीजियस और इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं गुप्ता एज की वो नोट डाउन की है और इसने रोड किया है कि बुद्धिज़म जो है वो फ्लरिशिंग है इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बौद्धिज्म जो है फ्लरिश कर रहा है बट निग्लेक्टेड इन गंजेटिक वैली लेकिन गंजेटिक वैली में जो है निगलैक्ट किया जा रहा है तो गंजेटिक वैली जो है इसको लैंड ऑफ ब्रह्मनिज्म माना जाता है अब जो गंजेटिक वैली है इस तरह से इंडिया का मैप होता है एंड इस तो इस वैली में जो इसने कहा कि जहाँ पे बुद्धिज़्म ज़्यादा नहीं है वाई क्योंकि जहाँ पे थे सतवाहंस और सतवाहंस प्रेफर किसको कर रहे थे उन्होंने पेट्रोनाइज़ किया था क्रेमिज्म को हमने पीछे देखा ठीक है याद है जो ये भी बुद्धिस्ट था विजिट करने आया था बुद्धिट सराइंस के लिए सेवन्थ सेंचुरी एडी में देखिए दो सेंचुरीज वादा है ठीक सोशो रिलीजियस कंडीशन इसने इकोनॉमिक कंडीशन किसकी हर्षास की जो है रिपोर्ट की है इसने रिपोर्ट किया है कि सोलह सौ जो स्टोपास थे एंड मिनिस्ट्रीज थे वो रूलर्स ने ट्राई किए हैं ठीक, देन वी है विक्रम संवाद जो है फिफ्टी B.C बी से शुरू होता है का संवाद जो है 78th A.D से शुरू होता है गुप्ता एरा जो है थ्री वन नाइन से शुरू होता है हाथी गुम्बा एंडस्क्रिप्शन अगेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है आ, इसके अंदर कारविला किंग्स की वाइज जो इवेंट्स हैं वो लिखे गए हैं फर्स्ट सेंचुरी B.C के अंदर ये कंस्ट्रक्ट हुआ था ठीक है एन अदर इम्पॉर्टेंट बुक्स और राइटर और इनके अंदर क्या है हर्ष चरित्रा जो मैं हाईलाइट करूंगा वही आपको होना चाहिए हर्ष चरित्रा जो है बना बताने लिखा है हराश हर्षास की एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है इंपॉर्टेंट टू नोट ठीक फिर आप नीचे आएंगे आपने देखना है जहाँ पे फोकस करना है राज तरंगनी तो राजतरंगनी जो है जय कलहन ने लिखी है किंगस ऑफ कश्मीर के रिगार्डिंग जो है ऑल्डेस्ट बुक मानी जाती है अब ट्वेल्थ सेंचुरी ए के अंदर राइटर है ठीक है ना इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स है जी आपको पता होना चाहिए भरत समेता पंच सिद्धांतिक लागू जातिक योगा जात्रा भेरत जातिक इसके अंदर दो बुक्स तो आपको याद ही होनी चाहिए बरहत समेता एंड पंच सिद्धांतिक ये इसलिए क्योंकि पंच सिद्धांतिक को जो है सिद्ध सिद्धांतिक के साथ कन्वर्ट करता है जो है जो लिखी है आर्य बटीनी ठीक तो पंच सिद्धांतिका भरत समिता लागू जातिका योगात्रा जो भरत समिता है एंड पंच सिद्धांतिका है ये किसकी है वराम हीर की ठीक है ना तो वराम हीर बेसिकली एक मैथमेटिशियन था ठीक है देन ये वाला अगेन इंपॉर्टेंट है मुद्रा राक्ष मुद्रा रक्षा ये एक प्ले है किसने लिखा है विशाखा दत्त ने ठीक तो चंद्रगुप्त गुप्त का जो है इसके अंदर बैटल का किस्सा लिखा हुआ है ऑलरेडी और देवरी चंद्रगुप्तम देवी चंद्रगुप्तम एंड मुद्रा रक्षा जो है विशाखा दत्त के लिखे हुए हैं जे भी अगेन इंपॉर्टेंट है ठीक चलिए नेक्स्ट देन वी हैव दिस वन सुधारक का इसने लिखा है मिर्चा काति का ठीक है मिर्च कातिका जो है सुधारक ने लिखा हुआ है ठीक देन कालिदास कालिदास का भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट इन सब में से यही ये ये इंपॉर्टेंट है अभिजन मालवी का अग्निमित्र ठीक है ना पुष्यमित्र शुंग के बेटे के रिगार्डिंग इसके अंदर स्टोरी है एंड विक्रमो जो है ये इसकी बुक है देन वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट चरित्र किसने लिखा है अश्वघोष ने बुदाज लाइफ के रिगार्डिंग दिन दिन, दिन 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 ये हर्षवर्धन की जो तीन बुक्स हैं हर्षवर्धन रत्नावली नागनंद एक इंपॉर्टेंट दिन ये वाली इंपॉर्टेंट बुक रसनसर अर, नाथकर ठीक है ना जे, जे बेसिकली फेमस एलकेमिस्ट को माना जाता है नागार्जुन को एंड केमिकल्स uh, के रिगार्डिंग इसने लिखा हुआ है रसनातकर किसने नगरजुन ने इन यस अगेन दिस वन रामा गुप्त ने लिखी है बुक रामा सपुत्र सिद्धांतिक ठीक है मेंशन जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट एट नाउ एंशंट एरिया के अंदर अब बहुत सी जो थी किंगडम्स थी बहुत से एरियाज थे ठीक है ना तो कौन से किस एरियाज में पढ़ते हैव टू नोट दि डाउन कल्चर कौन सा कहाँ पे था और लोकेशन कौन सी थी खराफन कल्चर ठीक है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ये फाउंड होता वैदिक नॉर्थ वेस्ट फॉरन प्रोविंस एंड पंजाब बट डज दिस मीन नॉर्थ वेस्ट फॉर प्रोविंस एंड यहाँ पे है यहाँ पे आते हैं तो ये वाला जो रीजन है इसको कहा जाता था नॉर्थ वेस्ट फारियन प्रोविंस ठीक है ना तो जो वेदिक रीजन था वो इस एरिया में फ्लोरिश हुआ है वी हैव पोस्ट पोस्ट वैदिक वैदिक में इस साइड में वो हो चुका था मिडल प्लेन्स देन वी हैव गुप्ताज लोअर गन्जैटिक प्लेन्स ठीक है ना इधर नीचे अर्ली मिडवल uh, ब्रह्मापुत्र वैली ठीक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देन वी हैव सर्टेन अम्पायर इसमें से सिर्फ आपको हेरापन का पता होना चाहिए दैट इम्पॉर्टेंट नॉट रेस्ट देन वी हैव है कलंगा अम्पायर जो थी ये ईस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न उड़ीसा कोस्टल बेल्ट पे रीजन थी मदा, आ, महानदी एंड गोदावरी रिवर्स के बीच आती है ठीक देन वी हैव सत सतवाहन सतवाहन जो है गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के बीच में किंगडम थी एल्ट प्लेन्स फॉर्म्ड बाय दीज टू रिवर्स ठीक देन वी हैव चोला प्रेजेंट चोलाट तमिलनाडु का जो पार्ट है कवेरी एंड वेगी पेनर रिवर्स के बीच में थी पुलावास अपलैंड एंड तमिलनाडु यहाँ पे दोनों सतवाहांस एंड कलिंगा के बारे में आपको पता होना चाहिए चलिए जहां पे अगर हम देखेंगे तो जहां पे आपको पता होना चाहिए किसके बारे में तुंग जो रिवर है ये नेचुरल बेरियर फार्म करता था नॉर्थ एंड साउथ वारिंग पावर्स ठीक नॉर्थ में थे चलोकियाज एंड राष्ट्रकोटास साउथ में थे पलावाज एंड चोलास uh, विंध्याज जो है इंपॉर्टेंट एरिया इन गुप्ताज पीरियड था ड्रेवेडियन स्पीकर्स टू साउथ एंड आर्यन स्पीकर्स नॉर्थ ठीक मालवा रीजन इंपॉर्टेंट हिंटरलैंड इन गुजरात दस शाखा वर्सेज सतवाहन साता इस रीजन में थे एंड सतवाहन उस रीजन ईस्टर्न रीजन में थे ठीक मराठास वर्सेस राजपूत के बीच में ये बाउंड्रीज बनाता था नो प्रॉपर एज इन इंडिया प्रैक्टिकली स्कॉसटी ऑफ टीन टीन की सिकार्टी होने की वजह से एक प्रॉपर एज हमें इंडिया में नहीं देखने को मिलती ठीक है ना लेटर अली क्रिस्नेरा विद बर्मा एंड मलयालम दिस दिस प्लैंड ऑफ आयर एन ओर्स साउथ बिहार ठीक है ना ईस्टर्न मध्य प्रदेश कर्नाटका फार इम्प्लीमेंट्स जंगल कलेरेंस लिगरल रेगुलर कल्टिवेशन राइज ऑफ मगध ये हमने डिस्कस कर दिया अवंती दिस ना पहले ही हमने कर दिया है इसको डिस्कस तो लेड जो था आ, लेड आंध्र प्रदेश के अंदर पाया जाता है ठीक लार्ज नंबर ऑफ़ लेड कॉइन्स जो हैं फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किए थे कमर्शियल बेसिस पे सतवा हंस ने तो ये फैक्ट वो वाला रिपीट हुआ है ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं हर लियेस्ट पाँच मार्केट जो कॉइन्स हैं सिल्वर के जो खड़ग पोल खिल्स मांस के आ, लार्जली जो है खड़गपोल खिल मांस से जो है आप सिल्वर को जो है तो anyway, so, की बात हम करें तो आदमगढ़ राजस्थान वी है तो अर्लीस्ट एविडेंस हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जहाँ पे मिलते हैं कल्टीवेशन ऑफ प्लांट स्टडी इन सांबर सरावर फार्मिंग कल्चर रफन कल्चर जो है थर्ड एंड सेकेंड मिलेनियम बी सी एन वर्ल्ड महंज दारो जो है इसके अंदर हमें ग्रेट आ, ग्रेट बाथ ग्रेनरी का जो है मिलता है महंजो दारो में महंज दारो जो एक्चुअल में साइट है किसकी हरपा की और ये इस वक्त प्रेजेंटली पाकिस्तान के अंदर है हरपा के अंदर हमें छः ग्रेनरीज मिलती हैं सर्कुलर ब्लिक ब्रिक प्लेटफार्म मिलता है फार थ्रेशिंग ग्रेन ठीक है कालीबंगन के अंदर हमें हाउसेज विद वेल्स मिलते हैं ड्रेन कवर्ड विद स्लैब्स मिलती है मेन होल्स एंड स्ट्रीट मिलते हैं

दस आल्सो एज सेंडन बाई ग्रीक्स आल्सो न्यू वूल स्पिनिंग वर्ल्स यूज फॉर स्पिनिंग ठीक पॉटन जो है पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसको जानते थे दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कौन कौन सी थी ऑक्शन बफेलोज गोड्स शीप पिग्स डॉग्स कैट्स एज एज केमल्स हॉर्स ठीक है एलिफेंट्स राइनो तो देन वी हैव प्रैक्टिस बोट मेकिंग बीड मेकिंग ग्लॉसी एंड शाइनी पोइट्री ट्रेड की अगर हम बात करें तो ट्रेड जो थी प्रेजेंस ऑफ सील्स यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट रेगुलेटेड वेट्स एंड मेजर्स हमें बताते हैं कि ट्रेड आईवीसी के अंदर होती थी हालांकि जहाँ पे जो था आईवीसी यूज करते थे बाटर सिस्टम बाटर सिस्टम के अंदर यह होता है कि चीज़ को चीज़ के बदले एक्सचेंज किया जाता है एग्जाम्पल अगर आप दाल एक्सचेंज कर रहे हैं तो वहां से आपको कोई दूसरा उसके बदले चावल दे देगा ठीक है तो व्हील का यूज करते थे बट स्पोक्स उसके अंदर नहीं, आ, स्पोक्स का नहीं पता था उनको ठीक? एट ट्रेडिंग कॉलोनी इन नॉर्दर्न अफगान कैरी ट्रेड विथ सेंट्रल एशिया कैरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन अगर हम देखें तो को हमें कोई प्रूफ जनरली मिलता नहीं ठीक है ना लेकिन जो आ, सोसाइटी थी आ, वो कल्चर होमोजीनियस कल्चर हमें देखने को मिलता है ठीक है ना जो हाल जो होमोजीनियस कल्चर है पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का इसका मतलब ये हुआ कि कोई सेंट्रल ऐसी अथॉरिटी थी जिसकी वजह से होमोजेनिटी पूरे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर थी मतलब एक किस्म का जो है रिलीजन या कल्चर परफॉर्म करते थे सभी द्रफन कल्चर जून डिज नॉटने लार्ज साइज एम्पायर आंटेल मोरियन

रिलीजियस प्रैक्टिस को अगर हम देखें तो अर्थ एज फर्टिलिटी गॉडेस ठीक मेल डाइटी अगर हम देखें तो पशुपति महादेव जो है थ्री हंड्रेड हैड पोस्टर ऑफ योगी सराउंडेड बाई एलिफेंट टाइगर राइनो फेलो जे फेलस को वारशिप करते थे ठीक है न संबला फॉलस एंड फेलसिस मेल जिनाइटल ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है इनकी पूजा हमें देखने को मिलती हैरा फनेरा के अंदर एक ट्री को वारशिप करते थे डिपेक्टिंग मिडेस्ट ब्रांचेज ऑफ पीपल एनिमल वॉरशिप जो है सील्स एनिमल uh, को भी वॉरशिप करते थे क्योंकि सील्स पे जो है एनिमल जिस तरह वन हार्न रॉनो हम्फर्टबुल की हमें अमेजेस देखने को मिलती है सील्स पे प्रोबेबली बिलीव इन घोस्ट एंड इवल स्परिट्स क्योंकि ये तवीज़ जो, तवीज जो एमोलेट्स हैं उसका यूज़ करते थे इसका मतलब है कि ये गोस्ट वगैरह या एवल्स में बिलीव करते होंगे ठीक अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो हमें टेक्स्ट वहाँ से मिली है आ, आई वी सी से आई वी सी की जो टेक्स्ट है आ, जो लिखी हुई वहाँ की जो उस एरा की सिक्रिप्ट है वो सिक्रिप्ट अभी तक जो है डिसिफर नहीं हुई है अभी तक समझ नहीं पाए हैं साइंटिस्ट बहुत कोशिश कर रहे हैं मान टू नो कि एक्चुअल में तब क्या लिखा था ये क्या लैंग्वेज है इसका क्या मतलब है तो अभी उस पर कोशिश है स्टडी चल रही है एंड देवाना डिसीवर लेकिन अब तक वो डिसीवर नहीं हुई है हुई है इनकी स्क्रिप्ट तो स्क्रिप्ट जो है पिक्टोग्राफिक थी नो लॉन्ग इन स्क्रिप्शन नॉट रिलेटेड टू मेजोपोटामिया एजेप्ट बट इंडिजिनस प्रोडक्ट जो स्क्रिप्ट थी वो इंडिजिनस नेचर की थी तब जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो कंटेम्प्रेरी है जिस तरह मिजोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी जज एजप्ट की थी मिज़ोपोटामिया की है जो इराक ईरान वाला जो रीजन है बेसिकली ये मिज़ोपोटामिया का रीजन अब का था अजट्ट का दोस्त जो था ऑलरेडी अरब के साइड में अजैप्ट आज भी एक देश है तो ये वाले रीजन उस वक्त की ये वाली सिविलाइजेशन भी थी अगर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो इसके साथ और इसके साथ मैच नहीं करती वेट्स एंड मेजर्स की अगर बात करें सोलह या इसके मल्टीपल्स का यूज होता था फ्रीक्वेंटली वेरी इंपॉर्टेंट ये भी एग्जामिनर पूछ चुका है पोइट्री जो थी ग्रेट एक्सपर्टाइज इन पोट्री वील जूस भील जूस ठीक है ना वील जूस पोट्री जो थी काफी एक्सपर्ट तरीके से ये बनाते थे थी, जो थी इमेजल इमेजेस व्रॉन्ज की और मेल जो है हमें का हमें मिलता है केराकोटा अगर देखें अनसोफेस्टिकेटेड आर्टिस्टिक वर्क था ठीक है ना ये भी ऑलरेडी पूछा है देखिए बहुत छोटी सी बात है लेकिन एग्जाम्पलर ने एक बार ये भी पूछा कि जो तो वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो सोफेस्टिकेटेड टेराकोटा वर्क जो है जानते थे करते थे तो ये गलत कर दिया फिर बाद में यूपीएससी ने जस्ट इस बात पे कि इसके पीछे है अनसोफेस्टिकेट और टेस्टिक वर्क छोटी छोटी बातों पे भी फोकस करते हैं लोअर क्लास इन इक्वालिटी एज सील्स एंड मेजर्स वेयर ऑफ हाई एक मोर मेजर्स ऑफ वन एंड एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगी आल दो ब्रॉन्ज कल्चर बट यूज ब्रॉन्ज इन वेरी लिमिटेड अमाउंट लार्जली कंटिन्यूड स्टोन एम्प्लीमेंट्स बाई लिमिटेड अमाउंट में ब्रॉन्ज का यूज हुआ बिकॉज ऑफ ए टीम नहीं था ठीक है ना इंडिया के अंदर जो टीम की जनरली वास्ट रिजर्व नहीं है पोस्ट अर्बन फेज ऑफ हराफन की अगर हम बात करें तो uh, इसको हम आल्सो नोन एज सब एंडस कल्चर या लेट हरफन टाइम ठीक इसके अंदर जो कल्चरल होमो homo, जो होमोजीनिटी थी कल्चर के अंदर वो डिसअपेयर हो चुकी थी क्योंकि पहले तो इस तरह से थी एंड देन ड्यू टू सम रीजंस अब जो है इस तरह से अलग अलग थोड़ी जो है डिफरेंट तरीके से जो सेटलमेंट्स जो थी दूर दूर वो हो चुकी थी तो स्टाइलिस्टिक हमें डाइवर्सिटी देखने को तब मिलती है लेटर एरा के अंदर पोस्ट आ, पोस्ट रफन फेज के बाद ठीक है ना तो प्राइमरली जो तब कह रहा था चालकोलिथिक चालकोलिथ था चालकोलिथिक ए रहा था वहाँ पर फ्रीक्वेंटली यूज होता था रूरल सेटलमेंट थी क्योंकि मेन सिटी से जो लोग थे डिसइंटीग्रेट हो चुके थे ट्रेड जो है ये डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है लेटर फीस के अंदर कामर्स टामर के इसमें काफ़ी डिक्लाइन आया था तो इसका जो हा है हमें एक प्रोमिनेंट दिख, एग्जाम्पल दिखती है सवात वैली सवात वैली नार्थ वेस्टर्न आउट पोस्ट आ, आउट पोस्ट है ये सवात वैली जो है बेसिकली ये एक साइड है ये भी पोस्ट ये चालकोलिथिक साइट है जे कहाँ पर पड़ती है ये भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है ना हरफन के नॉर्द एरियाज नार्थ में पड़ती है हरफन रीजन की रगी एंड जो फिगर मिलेट है ना नॉट नून सो फार इन हरफन साइड अब तक जो है रगी एंड फिगर मिलेट जो है उसका हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है इसका मतलब है कि मे बी तब उनको नहीं पता था रगी एंड फिंगर मिलेट का इतना डीप तो शायद पूछेगा नहीं बट स्वाद कब पूछ ली एडवेंट ऑफ हरियन एंड एज ऑफ रिग्वेद अवस्था जो है ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ईरानियन लैंग्वेज की और कंटेम्परे है हमारी रिग्वेदा की अर्लीस्ट वेव रिगवैदिक पीपल 1500 सौ बीस कन्फ्लिक्ट विद एस वाई यू यूएस दास्यूज ठीक है ना दास्यूज कौन थे इंडिया के जो ओरिजिनल ट्राइबल्स जो डिफीट हुए थे दास जो है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स मेन्शन इन रिग्वेदा समारा डिफीटेड बाई देव दास्यू आर्यन चीफ हु एम्पावर्ड दास्यूज दस्या जस्ट uh, दस्यू का माना आपको पता होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है जहाँ पे और अवस्था इसकी कंटेप्रेरी थी ये इंपॉर्टेंट आर्यन तो दिन आर्यन कन्फ्लिक्ट इंद्रा आरडी इसको जो है ऋग्वेदा के अंदर इंद्रा को हम पुरंदर भी बोलते थे पुरंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड ऋग्वेदा एरा के अंदर माना जाता था अर्लियर की बात कर रहा है। आर्यन क्यों ऊपर सक्सीड हुए आर्यन इसलिए सक्सीड हुए क्योंकि वो एक यूज करते थे चोराइड चोराइड ड्रिवन ड्रीवन तरह आगे घोड़े होते थे एंड पीछे उसके जो होते थे पीछे लगाते थे इस तरह से व्हील फिर इन इसको खींचता था कौन तो बोलते हैं चोराइड्स ठीक चोराइड ड्रिवन बाई हार्सस एक ये रीजन था दूसरा सोल्जर्स जो थे विद विदरमान कोट ऑफ मेल एंड बैटर आर्म्स और इनके पास बैंस जो आर्म्स वगैरह थे वो बहुत अच्छे थे ठीक है ना तो इंट्रा ट्राइबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्यन पांच जन का जन्म हुआ डिवाइडेड इन फाइव ट्राइब्स ठीक है ना देन मेन क्लान जो भारता एंड त्रिस्तु था ठीक है ना इसकी मेट्रोमोलियन रिलेशन की वजह से दिन कुरु का जो है भरत प्लस पोस कुरूस एंड देन कुरु प्लस पंचला रूल अवर अपर गैंगेटिक प्लेन्स ऑलरेडी हमने इसका डिस्कस कर दिया फाइव बैटल्स क्या था इसका क्या है मैटीरियल लाइफ की बात करते हैं मेटीरियल लाइफ पहले क्या थी गवस थी दैट मीन्स पहले जो वार हुआ करते थे वो प्राइमरली होते थे फॉर रिजर्विंग फॉर सिक्योरिंग मोर एंड मोर कैटल्स ठीक है ना तो इसलिए इसको कहा जाता है वार फार काउस आर्गन प्रीडोमिनेंटली पहले पास्ट पास्टोरल्स थे ठीक एंड देन नॉट तब जो थे अर्लियर जो आर्गन थे या अर्ली वैदिक इरा के लोग थे वो सिटीज के अंदर नहीं रहते थे बट फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट्स के अंदर जो है रहते थे या केव्स वगैरह के अंदर रहते थे ट्राइबल पोलिटी एंड सोसाइटी की हम बात करें तो रजन जो है ट्राइबल चीफ माना जाता था ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जे तो ऋगवेदा के अंदर तीन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थे सबा समिति विद्यत ठीक है ना आ, जो थी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थे उसके बाद है घाना वुमेन्स वुमेन्सो अटेंडे सबा और विद्यत के अंदर वुमेन्स को अलाउड था बट समिति के अंदर नहीं राजपति ऑफिसर था हुए अथॉरिटी अवर लैंड लेड कुलप्पा हेड ऑफ फैमिलीज आर फैमिलीज, ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है ना जना ट्राइब टू विच पर्सन वाज लॉयल विस ये इंपॉर्टेंट है नहींदर टर्म फॉर ट्राइब इन रिग्वेदा ट्राइब के लिए विस को यूज किया गया है हैदा के अंदर डिवाइडेड इंटू घरामा वेशा वर्णा फ्राम ठीक है का माना कुलप्पा का माना का सभा समिति विदत इनका पता होना चाहिए वो है ओके राइज ऑफ सोशल डिवीजन ड्यू टू कंक्ट ऑफ दासा एंड दस्यु दासा कौन है जो आर्यन हारे हुए थे और दस्यु जो इंडिया के ओरिजिनल ट्राइब हारे हुए थे ठीक है ना Uh, lower status tribal chiefs were having big share in loot. Rise of three classes: chief, priest, people. E the Unequal distribution of spoils. Social inequality. Slaves. Women slaves for domestic purposes. Gifts. Women good condition because part in Sabha. Offer sacrifices. Composed hymens, Polyandry. Widowry marriage. No child marriage. Women were in better position in earlier Vedic era. इकोनॉमी पास्टोरल, नो वेल एस्टेब्लिश टेक्शन वॉलीटरी पेमेंट बाई ट्राइब्स मैन टू चीफ चीफ को जो पेमेंट करते थे ठीक देन वी हैव रिलीजनो परसोनिफाइड नेचुरल फोर्सेस काठ जो रिग्वेदा के थे इंदिरा पुरंदर अग्नि कल्ट फायर पर सोयना प्लांट मरद स्टोम को मिली ठीक okay. uh, रहा था इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन किया था क्योंकि वहां पर जो है आदमी अपने फ्लो से बोलता है बातें जहां पर जो है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन जाना पड़ता है वही चीजें रिपीट हो रही जस्ट इसलिए मैं इसको रीड कर रहा हूं कि आपको पता हो कि जहां पर इंपॉर्टेंट क्या है लेटरविदा लेटर वैदिक फेज की अगर हम बात करें ट्रांजेशन टू स्टेट सोशल ऑर्डर्स ठीक समेता कलेक्शन ऑफ वैदिक एंड मंत्रास, वेदिक समेता ओल्डेस्ट टू डिस्क्राइब अर्ली वैदिक एज लेटर वैदिक टेक्स्ट समावेद समेता टून्स फॉर प्रेयर्स, यजुर्वेद ये इंपॉर्टेंट है समावेद के अंदर जो है आ, किस तरह से मतलब म्यूजिक वगैरह जो है मिजो का जो ओरिजिन हुआ है समावेद के अंदर तो इसके अंदर जो है ऐसी लिखी गई है जिसको हम मंत्र पढ़ते हैं ठीक है ना यजुर्वेद के अंदर जो है लिखा गया है कि रिचुअल हमें कैसे परफॉर्म्स करनी है ठीक है ना अथुर्वेद के अंदर जो है ऋग्वेदिक टाइम टेक्स्ट है, है मेजर जो टेक्स्ट है यजुर्वेद अथुर्वेद सामवेद एंड ऋग्वेद ठीक है ना ये जो चार टेक्स्ट है ऐसे मेजर मानी जाती है तो अथुर्वेद के अंदर जो है लिखा गया है कि चाम किस तरह से जो है चाम्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ ठीक है ब्रह्मन ब्रह्मनाज के अंदर लिखा है कि जो रिचुअल्स हैं किस तरह से परफॉर्म जो है करनी है देन मूव फॉरवर्ड ठीक बैटल ऑफ भारत दिस वी है पंचल किंगडम दिस हमने तो फिर लेटर एरा में क्या हुआ हज़ार हज़ार बीसी के रावण हमने इसको पढ़ा था कि आयरन की डिस्कवरी हुई एंड आयरन की डिस्कवरी से की वजह से जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस होनी शुरू होगी ईस्टर्न साइड में एक एंड गंगेस्टिक प्लेन्स की तरफ जो है आयरन्स ने जो मूव करना शुरू किया जो एग्रीकल्चर था जो उसका प्लो थी वो वुडन प्लो शेयर जो थी अब जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उससे बढ़ना शुरू होगी धीरे धीरे आयरन की जो है डिस्कवरी से ठीक है ना तो कापर की जो है कापर की भी फेमिलरिटी जो हमने कर दिया है श्रुति का मतलब होता है लिटरेचर विच मीन दैट इज पे श्रुति का मतलब है लिटरेचर दैट इज विच इज एंड पे है दैट इज रिमेंबर्ड जिसको याद रखना है दैट इज स्मृति जिसको सुनना है दैट इज विच इज हर्ड एंड जो याद रखना है जिस तरह आप ग्रामर लिख रहे हैं या टेक्स्ट लिख रहे हैं कुछ भी लिख रहे हैं तो आपको वहां पे जो है स का प्रोनावंस का या फिर इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है तो दैट इज समृति कॉन्सेप्ट एंड श्रुति का कॉन्सेप्ट होता है जो आप सुनते हैं जिस तरह आप वेदास को सुनेंगे समेताज को सुनेंगे ब्राह्मणास को सुनेंगे ठीक है ना रिचुअल फार्मूलाज को सुनेंगे आर्यानिक को सुनेंगे अपानिषद्स को सुनेंगे तो दिस इज वाट दिस इज श्रुति एंड जो स्मृति है ना स्मृति का हम जो हम जो जो छः वेदास विदंगा सॉरी विदंगाज की हम जो बात कर रहे थे इसी का सिक्स वेदंगा जो है इसी का जो है पार्ट है पार्ट है एक्जलरी सेंसर्स इन वेदास इसके अंदर है कि यहाँ पे जो है वो भी रिपीट हो चुका है तो यू कैन रीड वो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी विदत जो है डिसअपेयर होगी सभा एंड समिति जो है लेटर वेदिक एरा के अंदर जो है लेटर वेदिक एरा की हम बात कर रहे हैं ना तो जो है डिसअपेयर होगी सभा एंड समिति जो है डोमिनेट कर दी किसने रिच एंड नोबल्स ने वुमेन को जो है नो लांगर सभा पहले तो देखा वुमेन्स जो थी पहले सभा के अंदर जाती थी उसको समिति के अंदर बंद था लेकिन जो है लेटर का एरा के अंदर सभा के अंदर भी बंद हो गया किनशिप लास्ट इम्पोर्टेंस ठीक है ना आ, किंग परफॉर्म रिजल्ट फॉर इन्फ्लुस एंड फ्लंस राज सुहा का मतलब होता है कन्फर सुप्रीम पावर टू किंग असम विद एस्टेब्लिश किंग्स सोवरेनिटी अवर अदर किंग्स ठीक है ना वाजपिया दैट इज एस्टेब्लिश किंग्स सोवरेनिटी अवर ओन पीपल वाजपिया का मतलब है कि अपने ही लोगों पे सोवरेनिटी किंग की एस्टेब्लिश करना असमवेदा का मतलब है कि दूसरे किंग पे जो है सोवरेनिटी uh, तो, किंग uh, की जो है एस्टेब्लिश करना राजसुआ जो रिचुअल होती थी इसके अकॉर्डिंग क्या करते थे कि एक जो है ऑप्ट करते थे चूज करते थे एक किंग एक ट्राइब अपना। हैव जतकर्मा बर्थ सेरेमनी परफॉर्म कैसे की जाती थी अम्लिकल कार्ड वगैरह कैसे काटा जाता था, था तो दैट इज़ वी हैव संग्रेटी टैक्स कलेक्शन ऑफिसर दिस इज एम्पॉर्टेंट संग टैक्स कलेक्शन ऑफिसर देन वी हैव सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो वरना सिस्टम जो था वो चार लेयर्स में डिवाइड हो गया ब्रह्मन क्षत्रिज वेशा शोध्राज बट तब फ्लेक्सिबिलिटी भी थी दस वरना डिस्टिंक्शन नॉट एडवांसड वेरी फार उस वक्त इतना स्ट्रिक्ट नहीं था वरना सिस्टम ठीक है ना तो रिलीजन की अगर हम बात करें इंदिरा गार्ड जो था उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया देन प्रजापति घाट ज्यादा सुप्रीमर्च हो गया ठीक है ना रोद्रा ग्ड जो था एनिमल का था विष्णु प्रिजर्वर था साइंस ऑफ आइडोलेट्री भूषण केटल कैर जो था केटन केयर था गार्ड ऑफ सुधराव एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस सेक्रीफाइसेज को ज्यादा फोकस करने लगे ठीक है ना गोगना जो है गेस्ट को कहा जाता था जो कैटल पे फीड करता था ठीक है ना तो ये भी इंपॉर्टेंट है गोगना क्योंकि पहले पूछा है कि गोगना का क्या मतलब था वुड ऑफ वेल्थ चेंज फ्राम काव पहले काउ के लिए करते थे गवस्ती वर्ड लिखा हुआ था अब राष्ट्र के लिए दैट मीनस लैंड के लिए जो है आ, अब जो है फाइट हुआ करती थी ठीक है ना? देन वी हैव टू एंड ऑफ वैदिक पीरियड सेटिंग ऑफ रिएक्शन देखिए जब वैदिक पीरियड जो था ना तो जहाँ पे हमने पीछे देखा कि तब प्रिस्टली क्लास जो है वो ज्यादा ब्रह्मस जो हैं वो ज्यादा जो है पावरफुल इमर्ज हो गए लेटर वैदिक केरा के अंदर एंड सेक्रीफाइस पे ज्यादा फोकस होना शुरू हो गया ऐसी ऐसी चीजें होना शुरू होगी जो अनएक्सेप्टेबल थी लोअर क्लासेस के लिए जो क्षत्रिय थे शुद्रास थे वेशास्त्रिस वेशाश शुद्रास्ते उनके लिए अनएक्सेप्टेबल होना शुरू होगी ठीक है ना एंड जो रिचुअल्स ऐसी जो है ऐसी ब्रह्म ने या प्रिस्टली क्लास ने ऐसी रिचुअल्स पे जो है फोकस करना शुरू कर दिया जो अनएक्सेप्टेबल थी लोगों को चेंजेस जो हुई लेटर वेदिक के अंदर जो है टेरिटोरियल किंगडम्स वार फॉर फॉर टेरिटोरीज पास्टोरल से एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो गए ठीक है ना अब तो जो सरप्लास टैक्सेस थे प्रिस्ट क्लास को जो है प्रिस्ट क्लास और चीफ्स की है ग्रोथ बढ़नी शुरू होगी ट्राइबल सोसाइटी जो थी वो वरना से डिवाइडेड हुई ठीक है ना भागा दूगा जो है टैक्स कलेक्टर राजू घाघा सरवेर ठीक है ट्राइबल सोसाइटी के अंदर बट बिग किंगडम्स कुड नॉट सेटअप एज लैक ऑफ रेगुलर एंड वेल ऑफ आर्मी छोटी छोटी किंगडम अब जब जो ऐसी रिचुअल्स एंड चीफ्स बढ़ने लगे तो ब्रमनिकल जो रिचुअल्स थी वो सख्त होती गई जो लोअर क्लासेस थी इसलिए उस टाइम पे इमरजेंस हुई जैनिज्म की एंड बौद्धिज्म की अब वाई जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ऑफ डोमिनेशन ऑफ प्रिस्टली क्लास एग्रेरियन आर्डर डिमांड फॉर काउज एंड यूज ऑफ आयरन ग्रोइंग ट्रेड ऑफ़ वेदिक रिलीजन राइज ऑफ यूज़ ऑफ कॉइन्स ठीक है ना पांच मार्क्टेटेड ट्रेड इंपॉर्टेंस ऑफ वांट ऑफ हायर सोशल स्टेटस ना इस वजह से जो है जेनिज्म की राइज दॉट मच टू एक्सप्लेन आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट जेनिज़म ठीक है ना तो जेनिज्म जो है जैनिज्म जो है महावीरा इसका ओरिजिनेटर था कुंडाग्राम के अंदर नेर वशाली के अंदर जो है महावीरा हरण हुआ था क्या पैदा हुआ कहाँ पे कुंड ग्राम नेर वैशाली के अंदर तो जैनिज्म जो था जैनिज्म बेसिकली इससे पहले जो तीर्थंकर थे वो आर अड़ी ट्वेंटी थ्री तीर्थंकर सारढ़ी पहले थे जिन्होंने जैनिज्म की फिलोसफी को प्रमोट करते रहे थे तो फाइनल शेप जो दी है वो दी है महावीरा ने इसलिए जो है हम महावीरा के नाम से को जानते एनी वे anyway, किंगडम एसोसिएटेड विद महावीरा वैशाली उषालागध जन जनत्रिका मिथिलिया चंपा ठीक है ना दीज आर दी, ये जो है ना ये एक्चुअल में महाजना की स्टेट्स है ठीक है ना ये क्वेश्चन भी पहले पूछा है बेसिकली जो पहले क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि की के साथ कौन कौन सी रिलेटेड है बोधा ने किस किस स्टेट के अंदर विजिट किए हुए एट द एज ऑफ फोर्टी टू अटेंड कवेलिया ठीक है ना देन इसके बारे में लिखा हुआ है डेथ जो है इसकी निर है इसकी राजगीर हुई पांच डॉक्टर लाई वायलेंस कंटेनेंस ठीक है ना कंटेनेंस वॉज एडेड बाई महावीरा अदर्स फ्रॉम प्रीवियस तीर्थंकर्स मैंने कहा पहले ट्वेंटी थ्री तीर्थंकर्स तो पुराने थे तो कंटेनेंस है कंटेनंस इसने ऐड किया है बाकी पहले ही महावीरा के है जो है, तिरत, आ, त्री हैं तीन आपको रत्ना जिनको कहते हैं नॉलेज फेथ एंड कंडक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है नॉलेज के एफ सी नॉलेज फेथ कंडक्ट महावीरा तो दो ये अगेन अ पैटर्न ठीक है ना सथला तथल बाहु किूक दिगंबर बद्रा बाहू तो ये जो चंद्रागुप्त था चंद्रा गुप्त चंद्रा चंद्रा गुप्त ठीक है ना बद्रा तो जो बद्रा बाहु है बद्रा बाहु जो ली, लीड किया इसने इसने मुंह कर दिया साउथ के साइड तो दिगंबर साइड उधर मूव हुआ दिगंबर एंड शिवतंबर जो दो है आ, दो इसके मेन सेक्ट हैं किसके जैनिज्म जेनिज्म के जो दिगंबर हैं ये बिलीव करते हैं कि कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है एंड आदमी तो हम सरकाई कलेड भी कहते हैं सरकाई कलेड तो कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है आज तो पहनते हैं वाइट क्लोथ्स। बट अर्लियर दे वेयर बिलीविंग कि कपड़े पहनने की भी आदमी को जरूरत बसादी जेना मोनेस्टिक एस्टेबलिशमेंट्स इन कर्नाटका पैटर्न मगध कलिंग एंड ट्रीब्यूशन क्या हैं जेनिज्म की फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट टू मेटिगेट वैदिक रिलीजन रिलीजियस लिटरेचर इन अर्दा मगादी फाइनली कंपाइल्ड इन वलाबी इन सिक्स सेंचुरी एडी ग्रोथ ऑफ रीजनल इसकी वजह से रीजनल लैंग्वेज की जो है ग्रोथ हुई है ना एंड अर्लियर वर्क इन इट्स फर्स्ट ग्रामर टाइम्स मेड गुड यूज ऑफ संस्कृत आल्सो एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ ऑफ कन्नड इज वेयर द ऑफ दूशनिज्म अब बौद्धिज्म की बात करते हैं बौद्धिज्म जो है उदाबारण हुआ कहाँ पे लुम्बनी नियर कपल वस्तु आ, फादर जो था थाटर रूलर था कपल वस्तु था मदर प्रिंसेस थी कुशालन डायनेस्टी की पहला सरमन इसने कहाँ पे दिया है सरनाथ बनारस के अंदर डेथ कहाँ पे हुई है कुशीनगर के अंदर टीचिंग्स क्या है एट फोर्थ पॉल्थ ठीक है ना मेडिटेशन एक्सरसाइज लेवलीहुडिटरमिनेशन ऑब्जर्वेशन स्पीच एक्शन मेमोरी कंडक्ट क्या क्या है प्रॉपर्टी लाई वायलेंस करप्ट प्रैक्टिस डिड नॉट रिकोगनाइज गॉड एंड सोल ये इंपॉर्टेंट है इसका डिड नॉट गॉड एंड में जो बुद्धा था ये एग्नोस्टिक था एग्नोस्टिक गॉड के कॉन्सेप्ट को लेकर बुद्धा से पूछा गया गॉड है कि नहीं है तो ना हाँ बोला ना ना बोला जबकि जो वहाँ पे जैनिज्म था जैनिज़्म बिलीव नहीं करते गाड में जैनिज़्म बिलीव करता है कि जो भी कोई भी चीज़ है इवन कि आटम पार्टिकल्स है उस सब के अंदर सोल है ठीक है अटैक्ड वरना सिस्टम इसने भी अटैक जो है वरना सिस्टम जो दोनों जैनिज्म एंड बौद्धिज़म का प्राइमरी जो इमर्ज हुए वो वरना सिस्टम की ही वजह से हुए क्योंकि जो हायर क्लासेस थी उन्होंने एक्सप्लाइटेशन शुरू कर दी लोअर क्लासेस इसलिए लोअर क्लासेस में से ही जो है इन दो रिलीजन का रीजन हुआ चलिए कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे पाली का यूज़ बड़ा क्योंकि बौद्धिज्म पाली को यूज़ करता था पाली लैंग्वेज को ठीक है ना संगा रिलीजियस ऑर्डर्स इसकी जो है बुक्स जो है सुतानी पटा अनंत वनंत वनंत सुखदा दस काओ प्रोटेक्शन काउ की प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग इसमें बात की फनी पटक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर संग संघा के अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए जो है उसके लिए बुक लिखी गई रेशनलिज्म पे इसने फोकस किया ठीक है पाली लिटरेचर ने जो है प्रमोट हुआ एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा रूल फॉर सेंगोसिकल एक्सपोजिशन हाइब्रिड संस्कृत पाली प्लस संस्कृत का इसने यूज किया राइडिंग्स इस, इन ईस्ट इंडिया मोनेस्ट्रीज इनटू ग्रेटर सेंटर ऑफ लर्निंग नालंदा विक्रमशिला है ना तो ये ग्रेट लर्न जो इंस्टीट्यूशन है ये कंट्रीब्यूशन किसकी है बुद्धिज्म की फर्स्ट ह्यूमन स्टेच वारशिप्ट जो है इंडिया के अंदर है वो बुद्धा का सबसे पहले ऐसा स्टेच्यू है जो वारशिप किया गया है प्रोजिक्यूशन हालांकि बुद्धा खुद हमेज वारशिप के अगेंस्ट था ठीक है ना आ, बट जो लेटर्स उसके फॉलोअर्स आए तो उन्होंने बुद्धा को जो है ह्यूमन फॉर्म में जो है वार्चअप करना शुरू कर दिया और जी क्वेश्चन अगर देखी जाए देखिए बौद्धिज्म और जैनिज़म जो रिलीजन थे ये तो जब इमर्ज हुए अगेंस्ट ब्रमेनिक प्रैक्टिस देन व्हाट हैपेंड के जो जो ऐसे थे जो हिंदुज़म को पहले फॉलो करते थे हिंदुजम के फॉलोअर्स जो थे या रूलर्स थे हिंदुजम के या ब्रह्मनिज़म को जो फॉलो करते थे तो उन्होंने क्या किया कि, कि उन्होंने इसको सप्रेस करने की कोशिश की कि ये जो जैनिज़्म एंड बौद्धज़म है ये ज़्यादा ऊपर राइज नहीं करने चाहिए खत्म होने चाहिए दैट्स कॉल्ड प्रोसिक्यूशन ठीक है ना तो पुषिमतर शिंग कु डायनेस्टी का था ठीक है ना देन हुना किंग खुना किंग जो थे जे अटैकर्स थे जिन्होंने अटैक किया वहाँ से गुप्ताज अम्पायर को ख़त्म किया है नहीं नहीं खोनाज़ ने एंड ये सेंट्रल या सेंट्रल एशियंस थे ये शाशंक ने जो है बोधी ट्री जो है इसको कटा काटा है ठीक देन ह्यूनसंग जो है इसने रिपोर्ट किया, किया कि 1600 सो जो स्टूपा के वो डिस्ट्रॉय किए गए हैं रूलर्स के द्वारा साउथ के अंदर शे एंड वेस्टन थे जो बुद्धिज़म को बिटरली अपोज करते थे तुर्कश रूलर्स जो थे जिन्होंने अनवेड किया लेटर एराज में मोनेस्ट्रीज को तो इसकी वजह से भी जो है इन दो रिलीजन्स को काफ़ी नुकसान हुआ बुद्ध्म की अगर हम बात करें तो बद की तीन इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सुत पटिक एंड अबिदम ठीक है ना सुत जो बुक है ना इसके अंदर लिखा है कि बुधाज के जो है कलेक्शन ऑफ बुदाज सरमन एंड टीचिंग्स जो बुधा ने सरमन और टीचिंग्स दी हैं उस तो उसको सुत के अंदर रखा हुआ है ठीक है ना ये इम्पॉर्टेंट इसके पार्ट हैंटिक वन पिटिक के अंदर जो है डील्स विद द गवर्निंग रूल्स और गवर्निंग रूल्स ऑफ संगा एंड मॉन्क्स ठीक है ना आ, किस तरह से मोनेस्ट्रीज के अंदर जो संगास होंगे या मॉन्क्स होंगे किन रूल्स को फॉलो करना है वेन पिटिका डील्स विद दिसम अभी दमा जो है बेसिकली ये फिलासफी के साथ डील करता है बुद्धिस्ट जो फिलासफीज हैं उसके साथ डील करता है टिक वेन पिटिक एंड अबिदम ठीक ये तीन इम्पोर्टेंट बुक्स हैं किसकी इसको बुद्धिज्म का कहा जाता है चलिए महाजनपदस के बारे में हमने बात किया था कि महाजनपदस जो थी आ, हुई एमर्ज सोलह स्टेट जो थी एमर्ज हुई इनमें इनकी कैप्टन लिखी हुई हैं सबको हमें नहीं याद करना जस्टिन में से कुछ जो इम्पोर्टेंट तीन चार हैं जिनको आपको याद सबसे पहले जे वाली मगध मगध इसकी राजगीर पाटलिपुत्र पहले राजगीर थी देन पाटलिपुत्र बने ठीक है ना देन वी हैव दिस वन मत्स्य इसकी क्या है वरत नगरा वरत नगरा एक कंबोज राजपुर गंधारा ठीक एक अवंती उज्जैन महेशमती उज्जैन महेशमती काशी वाराणसी ये भी इम्पोर्टेंट ठीक है ना इन दिनों इम्पोर्टेंट हो गए बदसा कोसंबी दीज आर ऑनली इम्पॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए रेस्ट नॉट वो है मगध के बारे में ऑलरेडी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मगध जो स्टेट है ये हरियाणा जिस के बिंबिसार ने पिम्बी ने जो है स्टेब्लिश की ठीक है ना पिम्बी जो है कंटेप्रेरी था किसका बदा का ठीक है ना हाँ एंड देन इसकी शादी कैसी हुई इसका बेटा था आजाद शत्रु जिसने बाप को मार दिया अपने चाचा को भी जो है मार दिया उससे जो है जो काशी वैशाली उसके पास जो थी उसको भी छीन लिया ठीक है ना यह है इसके बारे में पूरा लिखा हुआ बम्बिसार आजाद शत्रु उदायन ठीक है ना आ, देन शिशुनाग ठीक एंड देन शिशुनाग के बाद आ गया नंदाज ठीक तो नंदाज का जो अ, लास्ट रूलर था आ, उसको किसने हराया फिर ने एंड देन एंड मेसिडोनियन इनवेजन तो इरानियन इन्वेजन्स की बात करें नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में क्यों क्योंकि वीकर वीक जून क्यों था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया स्माल प्रिंसिपैलिटीज थी ठीक है ना फॉर इज अदर फॉर आ, आपस में लड़ते रहते थे तो कोई लार्ज किंगडम नहीं थी इसलिए इजियर था ईरानियन इन्वेजन्स के लिए कि इस एरियाज को कंकर् कर पा वेल्थी एरिया थे नंबर सेकंड एंड ईजली इंट्रेबल थे थ्रो पासिस डेरियस ये वाले जो है फिर अलेक्जेंडर ने भी जो है वहाँ से इन्वेजन किया ठीक है ना रिजल्ट ऑफ कंटेक्ट क्या हुआ ईरान इंडिया की ट्रेड बड़ी खरोश्टी स्क्रिप्ट जो है आ, वो उसकी जो स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हुई आ, इस तरह से उर्दू वाले साइड से लिखनी राइट से लेफ्ट लिखनी शुरू हुई तो अशोकन पिलर्स पे जो है हमें अरामिक जो है अरामिक, को है, अरामिक और और देखने को मिलती है अरामिक एंड ग्रीक इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती हैं तो इन्फ्लुंस हुआ अशोकन पिलर्स पिलर्स पे इरानियंस का दैन रिज़ल्ट अलेक्जेंडर्स एनवेजन भी इसी का फाइनली रिज़ल्ट था ग्रीक को अगर हम देखें अलेक्जेंडर सनवेजन कहाँ से आए खाइबर पास से होकर आए टिम्पटेड ड्यू टू हिरुडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री हिरोडोटस की जो राइटिंग्स थी उससे जो है इन्फ्लुएंस इंस्पायर होकर अलेक्जेंडर ने जो है इंडिया पे तय की थी तो रिजल्ट क्या हुआ डायरेक्ट कंटैक्ट बिटवीन इंडिया और ग्रीस का बड़ा क्राफ्टमैन एंड ट्रेडर्स जो नशस सन होम एलेक्जेंडर आर्डर टू फाइंड रूट फ्राम माउथ ऑफ इंडस टू दैट ऑफ है का नाम था ग्रीस हिस्टोरियंस अकाउंट्स इंडियन क्रोलोनोलॉजी पेवर्ड वे फॉर एक्सपेंशन ऑफ वॉरियन एम्पायर इन नॉर्थ वेस्ट स्टेड एंड वर्ना सोसाइटी बुद्धाचुरी बी सी थी बिगनिंग ऑफ नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वियर फीस ठीक है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वियर फीस एयर ग्लॉसी शाइनिंग Poetry, very fine fabric, also use of iron implements, beginning of metal money. Current bricks and uh, ring well appeared in middle of NWPW phase, beginning of second urbanization, and then just read them. Not much important here, Jo so important as you have highlight current under. रेस्पेक्टिव uh, गर्ल्ड्स के हमने पहली आर्टिस एंड ग्रुप्ड ठीक है ना देन वीव निश्का नेम्स ऑफ कॉइन्स टेक्स्ट आर डाउटफुल एज कॉइन्स नॉट ऑल्डर देन क्वाइंस का नाम था निष्का सामना भी अब अंतर मेटल क्वेंस फर्स्ट अपेरेंस इन बुद्धा पीरियड येस्ट क्वेंस लार्जली सिल्वर पंच मार्केट कॉइंस आफ्टर हरप्पा राइटिंग प्रोबली स्टार्टेड कपल ऑफ सेंचुरीज बिफोर अशोका अशोक रिकॉर्ड कीपिंग ठीक है ना विलेज तीन टाइप के विलेज थे अकॉर्डिंग टू पॉलिटेक्स्ट टाइपिकल विलेज एडेड बाय बोजाका सबर्बन विलेज क्राफ्ट विलेज जिसमें क्राफ्ट मैन वी हैव वाटर विलेज मर्जिंग गहापत्री रिच पीजेंट्स ये इंपॉर्टेंट है गहापत्री गहापति आर्टिकल पैडी कमाकाराज लैंडलेस एग्रीकल्चर

टैक्सेशन जे टैक्सेशन दिस इज इंपॉर्टेंट बाली ऑफ वैदिक लेबर फॉर रॉयल वर्क पहले पूछूस टैक्सेस एंड कस्टम्स डे इन मंथ ऑफ का रिपब्लिक एक्सपेरिमेंट इन एंडस बेसन और ईस्ट बिहार इंस्पायर्ड बाई ओल्ड ट्राइबल इक्वालिटी नो प्रमिनेस टू किंग पावर इन ट्राइबल यहाँ पे हैउट ओरिजिन पेरल ट्यू गेट प्रोपर्ट देन वी हैव एज ऑफ मोरियंस एज ऑफ मोरियंस के अंदर जो है अशोका इम्पॉर्टेंट रूलर था ठीक है ना अशोका का जो अशोका का नाम था ओरिजिनल नाम इसका था दीवाना पिया या नाम था ठीक है ना आफ्टर कलिंगास जो है इसने बेरी गोशा छोड़ दिया बेहरी गोशा था फिजिकल कंकुस्ट पहले जंकर ने फिर इसने धमा गोशा अपनाया कल्चरल कंकूज राजू कास का इंपॉर्टेंट है राजू का ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाई अशोका टू वार्ड एज वेल एज पीपल फॉर नॉट फॉलोइंग ऑफ धमा जो धमा को फॉलो नहीं करते थे तो राजा राजू कास जस्टिस देता।, देता था ठीक है ना सजा वगैरह देता था बागा रॉयल एग्रीकल्चर अशोका की टीचिंग क्या थी नेवर आती अबाउट निर्वाना बट ऑफ ही टू मेंटेन सोशल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस ठीक है देन वी हैव समाउटन रूल मोरियन रूल का क्या था सिग्निफिकेन्स तीर्थास ने टू रॉमिक एक्टिविटीज ऑफ स्टेट मॉरियन पीरियड लैंडमार्क एंड टेक्स ये दो इंपॉर्टेंट है समार्था एंड सनी दत्ता yeah. समार्था रेफर्स टू हाइस्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ असेसमेंट सनी दत्ता कस्टोडियन ऑफ चीफ कस्टोडियन ऑफ स्टेट ये इंपॉर्टेंट है एक पंच मार्केट सिल्वर कॉन्स पर पब्लिक करेंसी सिंबल्स ऑफ पीकॉक एंड ऑर्गेन कल्चर इंटेंसिव यूज ऑफ आयरन एंड सेंट्रल एशियन कंटैक्ट्स एंड देयर रिजल्ट्स तो ग्रीप्स की वजह से किंगडम बैक्टीरिया नॉर्थ अफगान बैक्टीरियन किंगडम नॉर्थ अफगान बैक्टेरियन किंगडम की जो लोकेशन थी ऑलरेडी एग्जाम ने पहले कुछ कहाँ पर और अफगान के अंदर थी बाय एनवेजन चाइनावाज सिथियंस डायवर्टेड टुवर्ड्स पार्थिया इंडो ग्रीक्स फोर्स टू एनवेड तु ठीक है ना फेमस किंग मनंदर जो है का जवाब कन्वर्टर टू बौद्धिज्म बक्सीना मिलंद पन्नो आई जस्ट लेट मी टेल यू व्हाट इट इज मिनंदर जोधा एक कन्वेडर था इंडोग्रीक्स का उसने जो है कनकर कर लिया कौन सा पंजाब वाला रीजन एंड देन व्हाट हैपेंड जो एक बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट एक स्कॉलर था मॉन्क था नाम था जिसका नगर जूना या जिसको नागसीन कहते हैं। तो देन ही इसने इसको जो है मिनंदर को मतलब कन्विंस किया बुद्धिज्म के लिए मनंदर और नागर जो नागसीन के बीच बहुत सी बातें हुई जो बातें हुई उस उनको एक बुक के अंदर लिखा गया है जिसका नाम है मिलंद तो मतलब कौन से जो क्वेश्चन करता था मिनंदर नागसीन से नागसिन उसके जवाब देता था एंड तो इसकी डिस्कशन हुई है मिनंद पन्नों के अंदर जो है बुक है के अंदर लिखा हुआ है ठीक है ना तो जो तो मनंदर था फाइनली वो जो है, कन्वर्ट हो गया था बुद्धिज्म बन गया बुद्धिस्ट बन गया था दैट वाज द बुक कागज के बारे में हमने ऑलरेडी देखा इन्होंने कहाँ पे की दैट वही लिखा हुआ है पार्थियंस पर... ऑलरेडी हम इसके बारे में गोंड ऑफ फेयरनेस इम्पॉर्टेंटर था सेंट थॉमस जो था टाइम में जो है क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए कुशानस जो है जिसको यूची आर टोचारियंस भी कहते हैं ठीक है ना एंड जो ऑकोपाइड सेंट्रल एशिया बैक्टीरिया गंदारा एंड टू सक्सेजर ट जो कुशाना थे ना अक्सर आदमी को लगता है कुशाना कनिष्क ने इस्टेब्लिश किया होगा बट नहीं कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट था इम्पोर्टेंट जो एस्टैब्लिशमेंट की थी कुशाना क्वेश्चन कनिष्क डाइनेस्टी की वो इस बंदे ने की थी डेडफिश ने नॉट एबल टू रिकॉल देम राइट नाउ बट यू

जम हेल्योडोरस झोकरी वो हैड आर्ट एंड कल्चर हम कर चुके आर्ट एज ऑफ सतवाहंस सतवाहंस जो थे सक्सेसर है किसके मौर्या के गौतम बुद्ध सतकर्णी जो है एक अम्पावर काफ़ी पावरफुल रूलर सतव सतवंस को ऑलरेडी हम डिटेल में पीछे करें जहाँ पे हमें इनको डिस्कस करने की नहीं है कुछ टर्म्स में जिस तरह आहारा डिस्ट्रिक्ट को कहते थे कॉमिका हेड ऑफ स्मॉल मिलिट्री रेजिमेंट पता का मिल्ट्री कैम्प सर्वड एज एडमिनिट्रेट हम पहले एग्रीकल्चर कैसा था एंड देन लिटरेचर गहा सता सती जो है बहन किंग हाला ने लिखी हुई आरडी हम जे भी ठीक है फ्यूडल सिस्टम जिसके अंदर पहली बार इस पे डिस्क राना हिस्ट्री इन डीप साउथ मेगालिथिक कल्चर साउथ द कार्निस पीपल ऑफ श्रीलंका जो किंगडम्स ठीक एकदमस पांड्यास काले साहब मेगस्थेन्स पर चलिए आगे चोला नॉर्थ ईस्ट पॉइंट केरा नॉर्थ वेस्ट ऑफ तो हमने वहाँ तो वो कर दी थी बट संगम लिटरेचर हम नहीं किया तो ये जो असम्बलीज थी संगम लिटरेचर की ये बेसिकली पांड्या के अंदर हुई इसलिए पांड्या को कल्चरल रीजनरेटर भी कहा है, ठीक है ना? तो दो मेजर स्कूल्स uh, uh, थे संगम लिटरेचर के एक था अहम इनर फील्ड दूसरा था पोरम आउटर फील्ड डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स एक था मिलका ठीक है ना एट मेजर वर्क्स दूसरा था किलका नाकू एटीन माइनर दो वर्क्स मैजर वर्स मेलका नाकू तो वर्क्स इसके अलावा जो है कुछ बुक्स हैं जहाँ की तीन बुक्स जो आपको याद रखनी है दो बुक्स है एक है टोलियम टोल कपियम बाई टोल कपियार ये है ग्रामर लिखा हुआ ठीक है ना ओके uh, okay. uh, बाकी आपको ये नीचे लैंड जो है हाँ लैंड की जो है लैंड की टाइप्स लिखी हुई तो आप चाहें तो इसको जान ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ठीक है ओके हाँ दो एपिक्स एक तो हो गया टोलकपियम जो ग्रामर की बुक थी टोलकप्यार ने लिखी है लिटरेचर की बुक संगम लिटरेचर की हैपदिकरम जो एलेंगो एडिगल ने लिखी है एम्पोर्टेंट एलेंगो एडिगल ने लिखी है और दूसरी है मिनी मेकलाई जो है स्टानर ने लिखी है स्टानर स्टानर ने लिखी है जी एम्पोर्ट ठीक है एंड ये है ठीक बाकी रिलेटेड ये जो टर्म है जवाना प्रिया पेपर के लिए ओस्ट इंडिया के अंदर यूज हुई है पेपर आर एग्जाम एग्जाम पूछो इस तरह जनरली एंश हिस्ट्री के अंदर ना इस तरह टर्म्स पूछता है किस टर्म का क्या पर्पज कुशाना फेज के अंदर जो अर्बनाइजेशन थी वो पीक पे थी ठीक है राइज एंड oh, गुप्ता अम्पायर गुप्ता की हम बात करते हैं तो थर्ड सेंचुरी एडी में कुशान एंड सतवाहन के बाद जो है गुप्ता की चंद्रा गुप्त फर्स्ट जो था इसने स्टार्ट किया गुप्ता एरा, 319 एडी में समुद्रा गुप्त इसको हरिसन पॉइट ने इसको जो है लिखा है कि समुद्रा गुप्त जो था, था कोई भी जी जो है बैटल नहीं हारा है ठीक है ना अलाहाबाद पर अलाहाबाद एन एस्क्रिप्शन अलाहाबाद समुद्रा गुप्ता इसको नेपोलियन आफिस्ट भी कहा जाता था चंद्रागुप्त किया अपनी तो विक्रमाद्वितिया जो टाइटल था इसने जो है एज्यूम किया दिस इज इम्पॉर्टेंट टाइटल जो है दरबार में जो है थे आली आली हैं। देन इसके बाद आ गया नंदा गुप्त गुप्त सेंट्रल इन्वेडर्स थे होनास वो लाइफ इन गुप्ता अंपायर जो थी ये जो कुछ पारिकाज गंगाज ये टैक्सेस हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पिश्ती जी आर एडी एग्जामिनर ने पहले फोर्सड लेबर फॉर विलेजर्स फॉर सर्विस ठीक है ना मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ गुप्ता डायम्स जुडिशल जुडिशल सिस्टम बुक्स कंपाइल्ड टाइम सिविल एंड क्रिमिनल लॉज तरह से ट हैड आयर लैंड ग्रांटेड जो प्रैक्टिस थी वो सतवाहन ने शुरू की थी लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो है इन, इनके अपर पर भी प्रोड्यूसर कॉन्स भी गुड नंबर ऑफ प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी का जो गोल्ड कॉइंस था वो कौन कुछ कनिष्क एरा में जो है प्रोड्यूस क्योंकि ये ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट करते थे इसलिए लैंड लास्ट जो हैं वो डी अर्बनाइजेशन जो है स्टार्ट हुई स्मृति पार्ट ऑफ धर्मशास्त्र इट इज आल्सो दरास इंप्रूव्ड रामायण महाभारत आभारत पार्श्वप कृष्ण इज आवर भागवतिज्म आल्सो नोन एज वैष्णविज्म वैष्णविज्म ठीक है ना इस चीज का भी इसका भी राइज़ हुआ आरिया भट्टी पतांजलि ऑफ अमर कोश भाई रिलीजियस लिटरेचर रामायण एंड महाभारत पुराणलर लिटरेचर इस शोज इक्वालिटी आर्ट को अगर एज ऑफ एंशंट इंडिया चंद्रगुप्त टिप चंद्रगुप्त और आर्किटेक्ट

अथाराजोमेंट्स एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट है अगरहारिक्रा अगर एंड चेरी ब्राह्मन के के दो डिवीजन्स थी। चेरी के अंदर जो है आउट आउटकास्ट लोग रहते हैं अगर अग्रहाराजर क्लास लोग ब्रह्म से रहते हैं का प्रहार को देख पिंगाल के बारे में जस्ट वी एंड हिस्स टाइम्स पॉइंट चरित्रा एडमिनिस्ट्रेशन जो थी फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज हर्षवर्धन के एरा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड लैंड ग्रांट्स फॉर आर ऑफ

पहले दो असेमलीज कंड कुछ और दूसरी इसने की थी प्रयाग असेंबली पब्लिसिटी के लिए की थी एंड एक कनौज पॉपुलराइज करने के लिए इसने कंड बौद्धिज्म के जो हैं दो आ, मेजर सेक्ट्स से हैं ज्ञान जो है ये हैं ऑर्थोडॉक्स ये हैं ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर का मतलब होता है जो तो न्यू आइडियाज को ये चीज़ों को नहीं मानते ओरिजिनल टेक्स्ट होती है उस चीज के अलावा जो भी आएगा बुद्धाज के जो भी लेटर चीज़ें आएंगी उनको नहीं मानेंगे ठीक है ना फॉर एग्जांपल बुद्धा ने कहा था कि अमेज को वारशिप नहीं करना तो हनियांस नहीं करते बट जो महानस हैं ये थोड़ा लिबरल किस्म के हैं नीवली ऑर्थोडॉक्स एंड चलिए तो लिटरेचर की अगर बात की जाए तो तीन बुक इसकी हाँ। प्रिया दर्शक रत्न नागनाथ स्टेट्स एंड रूलर एक्सपेंशन एंड रूलर्स अर्थ एंड वेस्ट वे सतवाहन बकाटक अलावा एंड अलावास वर्सेस चलुक्यास जस्ट रीड देम दिस इज विलेज। विलेजेस विलेजेस विलेज इन साउथ इंडिया और था पोजिंट विलेज सबाब बहराम माध्या विलेज काराम ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है पीपल विलालर ए ले, लार्ज लैंड ऑनर उजहावर आर्डिनरी प्लोमेन ये दो इंपॉर्टेंट हैं लार्ज लैंड ऑनर उदसीआर लैंडलेस लेबर आलर के बारे में पहले फिलोसफीज़ स्कूल ऑफ फिलासफीज फिलासफीज के बारे में जो है आपको दो तीन बातें ज़्यादा याद रखनी है ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा ठीक है एग्जस्ट डेनी वेट स्मो तो जो है पहली फिलासफी का स्कूल है यह है संख्या इसका औरटर है कौन कपल मुनि तो ये क्या कहता है कि प्राकृति आट गॉड क्रिएट वट इज टैलिंग अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं जो है हमें बेसिकली जितनी भी फिलासफीज हैं ये डिस्कस करती हैं कि हम सेलवेशन पा सकते हैं तो ये वाला जो स्कूल है संख्या फिलासफी वाला स्कूल ये बिलीव करता है कि होती है ये हम एक्वायर कर सकते हैं बाई रियल नॉलेज आई तो रियल नॉलेज किस तरह से हम देख सकते हैं रियल नॉलेज हम देख सकते हैं तीन चीज़ों से एक है परसेप्शन परितिक्षा इन्फ्रेंस नुमान हेरिंग शब्द जबकि हम पहले करेंगे करेंगे उसका अनुमान लगाएंगे इन हम जो है रियल नॉलेज को ये रियलिटी बस बाकी इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ एट दिस पॉइंट देन वी हैव योगा योगा को जो है योगा का काउंटर है ये हैंजलि योगा जो है ये जो करता है कम एंड एंड नियम्स डोंट्स मतलब क्या चीज़ आपको फॉलो तो मेडिटेशन न्याय। न्याय का फाउंडर है गौतम ठीक है ना एंड न्याय के अंदर क्या है कि ये तीन चीजें हैं एक है एनफ्रेंस दूसरा है तीसरा है एनालॉजी दैट इज कंपेयरिंग यहां पे कंपेरिंग नहीं था जहां पे क्या था परसेप्शन हेयरिंग यहाँ पे क्या है परसेप्शन इन्फ्रेंस हेयरिंग कंपेयरिंग न्याय का मतलब है कि हम लॉजिक भी लगाते हैं रीजनिंग ये है थिंकिंग एंड रीजनिंग का यूज हम करते हैं जो है सेलवेशन पाने के लिए देन वी वैशिषिका वैशिषिका का जो दी है ये दी है कन्नड़ ने वैशिषिका ऐसा मानता है कि अगर हमें समझना होगा कि जो सब कुछ है ये बना है छोटे आटम्स से एंड हर आटम्स के अंदर जो है वो जान है ठीक है ना दिस इज मेटाफिजिकल का जो है से जब हम छोटी छोटी चीज़ों को जो है समझेंगे तो देन हम ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकव मासा मिमासा जो दी है ये दी है मिमांसा जो दी है ये है जेमिनी ने रीजनिंग एंड इंटरप्रटेशन बट रीजनिंग फॉर जस्टाज एटर्नल ट्रुथ बेसिकली कहता है जैमिनी कहता है कि हम जो है सेलवेशन अचीव कर सकते हैं थ्रो थ्रो सेक्रीफाइस थ्रो परफार्मिंग रिचुअल्स रिचुअल्स परफॉर्म्स करेंगे सेक्रीफाइस करेंगे तो सेलवेशन पा सकते हैं एक वो सफिशेंट वेदांता वेदांता दी है ठीक है ना अर्लियर ओपन एक नॉलेज ऑफ आत्मा सेल्फ नॉलेज तो सेल्वेशन थ्रो सेल्फ नॉलेज दिस इज इम्पॉर्टेंट क्या कहता है कि गॉड इज इन शू सेल्फ नॉलेज खुद को जानने में सेल्वेशन जो है है तो so, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मानसा मनी रिचुअल्स परफॉर्म विदांता सेल्फ नॉलेज ऑफ ब्रह्मा ठीक है ना एंड ब्रह्मा इज इन शू वो कौन दिन संख्या संख्या किसने कपल मनी कपल मनी क्या uh, प्रतीक्षा अनुमान uh, शब्द रियल नॉलेज योगा पतंजलि डूज एंड डोंट्स, न्याय गौतम इसमें क्या है थिंकिंग एंड रीजनिंग विद रियल नॉलेज ओके वैशिषिका कन्नड़ ने दी है अंडरस्टेंडिंग थ्रो अटामिक्रो थ्रो पर थे ओके वेदांता जो है वेदांता फर्दर जो है हमारे पास दो फे, आ, फेमस कमेंट्रीज हैं ठीक है ना एक है शंकर दूसरा रामानुजा आ, शंकर बिलीव करता है कि जो ब्रह्मा है वो बिना किसी एट्रीब्यूट्स के है तो जो रामानुजा बिलीव करता है वो कहता है कि ब्रह्मा विद एट्रीब्यूट्स विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स विद एट्रीब्यूट वीन दैट मीनस जो रामन ऊजा है ये अमेज वारशिप करता है कि अगर हम मूर्ति रखेंगे तो इसमें ब्रह्मा हम कहते हैं कि हम इससे ब्रह्मा से कनेक्ट बट शंकर जो कहता है मूर्ति मूर्ति रखने की जरूरत नहीं है हम डायरेक्टली ब्रह्मा से कनेक्ट होते हैं दिस इज द्वार साल नॉलेज आर जनन सलवेशन वे आर प्रैक्टिस डिवोशन ठीक है चलो तो इसके अलावा जो है ये तो सिक्स हमें हारे फिलासफी के स्कूल हैं एक दो छः छः फिलासफी के स्कूल हैं मेजर इसके अलावा जो है हमारे पास मेटीरियलिस्टिक फिलासफी के स्कूल भी हैं ठीक है ना संख्या एंड वैश्य स्कूल पुट मेटीरियलिस्टिक वीव कपिलख्या स्कूल नेड देखिए जहाँ पे है आजीविका सेक्ट हीरोडॉक्स सेक्ट इन बौद्धिज्म ठीक लोकायत फिलासफी आर चरवाक स्कूल फाउंडेशन बाय बृहस्पति स्ट्रेस्ड अन एंटीमेट कंटैक्ट विद पोस्ट आइडिया ऑफ स्परिचुअल सॉल्वेशन, रियलिटी देखिए हमारे पास है एक चरवाक जिसको हम लोकायत फिलासफी कहते हैं जीविका प्रमोट सेलवेशन का ठीक okay, uh, है का कम करते, नहीं करते, ना इंडिया कल्चरल कंटैक्ट विद एशियन कंट्रीज तो देर इज नथिंग टू रिमेंबर जस्ट रीड देम वंस दैट्स इट फ्रॉम अवर साइड आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री है वो तो कम्प्लीट होगी इंडिया की दिस तो हमने ऑलरेडी जो पहले हमने डिस्कस की दैट इज वेरी आज जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं रीड दम बाकी पूरे को भी रीड करने की जरूरत नहीं जस्ट गिव इट आवर हाफ एन आवर आर नाट मोर देन टू इतना सफिशेंट है आपके एग्जाम के एक लिए एंशंट हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करेंगे यू विल गेट नथिंग डे ना है जस्ट दो तीन घंटे में जितना होता है इतना ही इम्पोर्टेंस है। थैंक यू की बस विल बी बैक विध ए